सभी को नमस्ते। आज शिविर का 5वां दिन है और आज हम लोग इसका समापन भी करेंगे। तो जितनी बात पिछले 4 दिनों में हुई है उसको एक बार समअप कर लेते हैं। दिखता है कि और ये और स्पष्ट हुआ होगा आपने इन 4 दिनों में कि मानवीय शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है, जिससे एक मानवीय दृष्टि बने बच्चे के अंदर, जिसके आधार पर उसको मानवीय मूल्यों की समझ हो पाए। और जब ऐसा होता है तो मानवीय आचरण पूर्वक जी पाता है बच्चा, और उसके लिए जो सही हुनर है उसका चयन कर पाता है, उसको पूरा करने का अभ्यास कर पाता है, जिससे शिक्षा संस्कार विधि द्वारा हर व्यक्ति एक मानवीय समाज, मानवीय व्यवस्था का हिस्सा बन पाता है। जब मानवीय शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा मानवीय कैसे हो, किन बातों को हम कहेंगे कि मानवीय मूल्य है या नहीं है, उसको परखने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए जा सकते हैं। जैसे एक तो है कि बात सार्वभौमिक हो, हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति के लागू हो। दूसरा, तर्कसंगत हो, मानने का कोई दबाव ना हो परंतु हर बात को जांचा जा सके, हर बात को तर्क की कसौटी पर परखा जा सके। प्रामाणिक हो और संगीत अथवा व्यवस्था के अर्थ में, जीने के अर्थ में हो, उससे एक संगीत व्यवस्था निकल कर आए जीने में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, परिवार में, आसपास के वातावरण में एक व्यवस्था निकल कर आए। अगर ऐसा इनपुट हम शिक्षा में दे पाते हैं तो जो हमारी कौशल की शिक्षा है वो मूल्य आधारित हो पाती है और उससे एक न्यायपूर्ण, न्याय संगत समाज का निर्माण होता है। उसको उन्होंने जब देखना शुरू किया मानव को समझने के लिए, मानव की कुल आवश्यकता क्या है, अगर उसको देखने जाते हैं तो दिखता है कि 3 तरह की चीजों की जरूरत है। एक, स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव और आवश्यक सुविधा। ये समझ ही शिक्षा की मुख्य वस्तु है। समझ के साथ हम संबंध पूर्वक जीते हैं, प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीते हैं, ये हमारा संस्कार बन जाता है। और समझने को देखते हैं तो दिखता है कि जीने का जो पूरा फैलाव है, उस पूरे फैलाव को ठीक ठीक समझना, मानव को समझना, परिवार में संबंध को समझना, समाज में अपनी भागीदारी को समझना, प्रकृति की अन्य इकाइयों को समझना, उनके साथ परस्पर पूरकता को समझना। और आज हम लोग अस्तित्व की बात करेंगे, पूरे अस्तित्व को समझना। ये पूरा समझने का फैलाव है। इतनी बात समझ लिया तो कुछ छूटता नहीं है, परंतु शुरुआत कहाँ से होगी? मैं से होगी, स्वयं से होगी, मानव से होगी। इस पूरे को जोड़कर मानव चेतना कहा। इसी को फैलाते हैं तो दिखता है कि संबंध पूर्वक जब हम जीने जाते हैं तो हम संबंधों में न्याय को परिभाषित कर पाते हैं, न्याय पूर्वक जी पाते हैं। परिवार से लेकर विश्व परिवार तक न्याय पूर्वक जीने की हमारी एक अर्हता, एक योग्यता विकसित होती है, जिससे हम उभय सुख पूर्वक जीते हुए एक अखंड समाज के आधार बन जाते हैं। वैसे ही स्वयं में समझ के आधार पर हम प्रकृति को भी समझ पाते हैं, प्रकृति में अपनी भागीदारी को समझ पाते हैं, तो परिवार की आवश्यकताओं को भी प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम पूरा कर पाते हैं और विश्व परिवार व्यवस्था के एक हम भाग बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। इससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है और एक सार्वभौम व्यवस्था तैयार होती है। ये मानव चेतना का कुल फैलाव है। अगर इसको पूरा फैला के देखें तो इसमें कुछ भी छूटता नहीं है। जीने की बात पूरी हो गई, समझने की बात पूरी हो गई और पूरी प्रकृति के साथ हमारी परस्पर पूरकता भी परिभाषित हो गई। ये अभी कहेंगे एक मानव की तरह जी पा रहे हैं, तो हम सभी मनुष्य की तरह तो जी रहे हैं, मानव की तरह जीने के लिए इतने को पूरा करना जरूरी है। ये संक्रमण हो जाए, अभी जैसा जीना है उसमें अगर हम देखें तो समझ के अभाव में हमने सुविधा को ही संपूर्ण मान लिया है और सुविधा को ही बढ़ाने, बचाने, बनाए रखने में, अधिक से अधिक अर्जित करने में पूरी ऊर्जा लग जाती है। यहाँ से निकलकर हम यदि इस पूरे फैलाव में जी पाए तब हम कहें कि हमारा संक्रमण हुआ, हमारा विकास हुआ, परिमार्जन हुआ। तो अगर हम सिर्फ सुविधा के लिए जी रहे हैं तो चूंकि सुविधा सिर्फ मनुष्य पशु के लिए पूरी पड़ पाती है, मनुष्य के लिए पूरी नहीं पड़ती, इसलिए इसको जीव चेतना कहा। इस पूरे को हम सुनिश्चित कर पाए तब कहेंगे मानव चेतना में जीना हो रहा है। और ये परिमार्जन जो है यही विकास है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही विकास है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा और सिर्फ सुविधा बढ़ रही है तो सही अर्थ में विकास नहीं हो रहा। प्रस्ताव जो भी जा रहा है यहाँ से उसको हम अपने आधार पर जब जांचते हैं और जी कर देखते हैं तो बात हमको समझ में आती है। तो समझ को सुनिश्चित करने की यही प्रक्रिया है कि जो भी बात हमारे सामने से उसको एक प्रस्ताव के रूप में ले, उसको अपने अधिकार पर जांचें और जी कर देखें, इससे बात हमारी समझ में आए। ये जी कर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रस्ताव हमारे सामने आता है और उसे जांचने का प्रयास करते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि उसको हमने जांचा नहीं, सिंपली विचार किया उसके ऊपर और विचार में बात ठीक जमी है।
ये बात पूरी नहीं पड़ती। क्या होता है, विचार में अगर कोई बात हमको ठीक लगे और हम उसको जांच ना पाए तो कल को हमारे विचारों में हमें शंका उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि देखना नहीं हुआ, समझना नहीं हुआ ना, सिर्फ विचार किया गया है। तो विचार बदलते रहते हैं, तो जब हम ये कोई बात सुनते हैं तो हमको बात ठीक लगती है और ये बात लगती भी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, परंतु आगे जाते हैं तो इसके ऊपर जीने में कठिनाइयां, जीने में बनता नहीं है वैसा। इसका सीधा मतलब कि जांचना भी नहीं हुआ। तो स्वयं में जांचना और जी कर देखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। जांचने जाते हैं तो जी कर देखने की आवश्यकता दिखती है, जीने जाते हैं तो लगता है पूरा समझा नहीं, इसे और जांचना पड़ेगा। तो एक रिकर्सिव प्रोसेस का है ना, जिसमें बार बार इसी काम को करते हुए, जांचते हुए और जी कर देखते हुए हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमको दिखता कि हाँ ऐसा ही है, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसको समझ नाम दिया, कि हमको दिख जाए कि ऐसा ही है, उस पर कोई शंका न रह जाए, कोई अंतर्द्वंद न रह जाए, कुछ रहस्य न रह जाए, स्पष्ट हो जाए, जैसा है वैसा दिख जाए। और जब हम ऐसा सुनिश्चित कर पाते हैं तभी हम कहेंगे कि हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया। मानव की मूल चाहना देखें तो सुख समृद्धि पूर्वक जीना है, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है। सुख का मतलब देखें तो ये दिखता है कि संगीत या व्यवस्था में होना सुख है। हमारे विचारों में संगीत हो, हमारे भाव में संगीत हो, हमारे व्यवहार में संगीत हो, लय हो, व्यवस्था हो, हारमनी हो, ऐसा ही चाहते हैं, ऐसी की निरंतरता चाहते हैं। समृद्धि का मतलब जो भी सुविधा की आवश्यकता है हमें, उसकी आवश्यकता की पहचान ठीक से हो जाए, कौन सी सुविधा की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, और उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव हमारे अंदर हो, तब हम समृद्ध महसूस करते हैं। तो मूल चाहना तो हम सबकी यही है, निरंतर सुख, निरंतर समृद्धि। इसको पूरा करने में हम लगे हुए हैं, यही है कि हमने अगर सुख को ठीक ठीक समझा है तो उसको पूरा कर पाएंगे, समृद्धि को ठीक ठीक समझा है तो पूरा कर पाएंगे। जब सुख को नहीं समझते हैं तो क्षणिक रूप से सुखी होने के लिए हम बहुत सारी योजनाएं कार्यक्रम बनाते हैं, उसमें दिखता है कि ना तो निरंतरता है ना निश्चितता है। वैसे समृद्धि को नहीं समझते हैं तो सुविधा संग्रह के लिए बहुत सारी योजना कार्यक्रम बनाते हैं और बहुत सारा संग्रह करके भी समृद्धि का भाव नहीं दिखता अपने अंदर। इसलिए समझना मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है। समझे बगैर हम कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं ना, उसमें हम चूक करते हैं, गलतियां करते हैं। समझना एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, परंतु समझने पे अगर हमने एक प्रायोरिटी फिक्स कर दी कि समझना पहली प्रायोरिटी है और जो भी करना है समझने के अर्थ में करना है, समझ कर करना है, तो हमारा कार्यक्रम निश्चित हो जाता है। फिर हम बहुत सारी चीजों से जहाँ उलझ सकते थे बच जाते हैं और जो करने चीजें हैं उसको कर पाते हैं। तो सुख क्या है इसको समझना जरूरी है, समृद्धि क्या है इसको समझना जरूरी है। समझने जाते हैं तो मानव जो हमारे जीने का पहला स्तर है उसको समझना शुरू करते हैं और दिखता है कि मानव का मतलब मैं और शरीर दो तरह की इकाइयां हैं। मैं एक चेतन इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है, दोनों का सहअस्तित्व है। मेरी हर आवश्यकता निरंतर है, मेरी हर क्रिया निरंतर है, शरीर की हर आवश्यकता सामयिक है, हर क्रिया सामयिक है। शरीर में अगर निर्वाह प्रक्रिया को देखें तो दो ही चीजें दिखाई देती है, पहचानना एक निर्वाह करना। मैं अगर अपने अंदर देखता हूँ मुझे दिखता है कि मेरे अंदर कम से कम मानने की क्रिया तो होती है, जो जैसा मानता हूँ वैसा ही पहचानना निर्वाह करना होता है। जानने का काम हो जाए तो मानना निश्चित हो जाता है, जानने का काम ना हो तो मानना अनिश्चित बना रहता है। और मनुष्य की कुल समस्या इतनी है कि जानना नहीं हुआ है इसलिए मानना अनिश्चित बना हुआ है, इसलिए पहचानना निर्वाह करना अनिश्चित बना हुआ है, इसलिए आचरण अनिश्चित बना हुआ है। इसलिए हमें अपने भाव विचार का भी सुख नहीं मिलता, अगले के साथ जीते हैं उसको भी सुख नहीं मिलता, हमें भी सुख नहीं मिलता। ये मानना जो है ये जानने के आधार पर निश्चित हो जाए, इतना ही कुल करने काम है। इसी काम को अभी हम कर रहे हैं इस वर्कशॉप के माध्यम से भी। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, ये समझ में आता है, शरीर एक जड़ इकाई है और चैतन्य और जड़ ये दो अलग तरह की इकाइयां हैं, दोनों का सहअस्तित्व बना हुआ है, इतना ही है। जड़ चैतन्य का भाग नहीं हो सकता, चैतन्य जड़ का भाग नहीं हो सकता, दो तरह की इकाइयां हैं, दोनों का सहअस्तित्व है। फिर हम इस बात को समझने के साथ साथ हम स्वयं को समझने जाते हैं, स्वयं संगीत या व्यवस्था, तो अपनी ओर ध्यान देते दिखता है कि मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है, बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं और जो भी मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है उसके तीन स्रोत हो सकते हैं। एक तो कोई मान्यता हो, कोई संवेदना हो, तीसरा एक स्रोत है हमारी अपनी सहज स्वीकृति। तो देखते हैं तो पता लगता है कि अगर मैं किसी मान्यता के आधार पर कल्पना कर रहा हूँ, यानी इच्छा कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, तो मैं परतंत्र हूँ, क्योंकि मेरे सुख का स्रोत बाहर है। बाहर से कोई चीज आई, हमने उसको मान लिया, मान के उसको पूरा करने में लगे हैं, ये जांचा ही नहीं कि उसको पूरा करके हम सुखी होंगे या नहीं होंगे। इसलिए कई बार हम
सफल होकर भी असफल हो जाते हैं। तो जो मान्यता थी उसके आधार पर तो सफल हो गए, परंतु चूंकि सुखी नहीं हुए इसलिए असफल हो गए। वैसे संवेदनाओं को आधार बनाकर जब हम सुखी होने जाते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि ये संवेदना भी कहीं बाहर से आ रही है, तो परतंत्र है, क्योंकि बाहर से आ रही है इससे हमारा सुख बाहर पे निर्भर है। अब बाहर जो कुछ घटित होना है उसमें तो न तो निश्चितता है न निरंतरता है। तो संवेदना के आधार पर जब बना के सुखी होने जाते हैं ना, तो उसमें सुख की निश्चितता नहीं होती, निरंतरता नहीं होती, फंस जाते हैं। परंतु जो तीसरा स्रोत है हमारा, जो मेरी अपनी सह स्वीकृति है, जो मेरे स्वयं में है, मेरा स्वत्व है, ये कहीं बाहर नहीं है, मेरे भीतर है। तो अब मुझे सुख के लिए बाहर नहीं भागना पड़ता। जब जब मैं मान्यताओं या संवेदनाओं के आधार पर सुखी होने जाता हूँ, सुख के लिए मैं बाहर भागता हूँ, बाहर से कुछ मिल जाए, कोई अच्छा भाव दे दे, कोई मुझे स्वीकार ले, कोई मुझे पहचान ले, कोई मेरी तारीफ कर दे, है ना, ये सब मान्यताओं को पूरा करने का क्रम, या शरीर से कोई अच्छी से अच्छी संवेदना मिल जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कोई संवेदना मिल जाए और उसमें सुखी होने का प्रयास करते हैं, ये भी बाहर की ओर भागना है। जब मुझे अपना स्वत्व दिखाई देता है तो दिखता है कि मेरे सुख का स्रोत तो भीतर ही है। अब जब मैं इसको ध्यान देता हूँ, जांचता हूँ, समझता हूँ, तो इनका जो दबाव और प्रभाव है मान्यताओं का, संवेदनाओं का, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक ऐसी स्थिति बनती है जब मैं पूरी तरह से व्यवस्था को समझ पाता हूँ, तो अब मेरे अंदर कोई भी मान्यता या संवेदना का दबाव नहीं रहा, परंतु पूरी जो कल्पनाशीलता है उस समझ के आधार पर व्यवस्थित हो गई। अब मेरे भाव में, विचार में हर समय एक लय बना हुआ रहता है, संगीत बना हुआ रहता है। अब ये देखने की बात है कि जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो कितनी देर हमको लगता है कि मेरे अंदर संगीत बना हुआ है, यानी मैं कितनी देर अपने साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। क्या लगता है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन ले सकते हैं कि चैट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे अगर आप अपने साथ एक दिन का समय बिताएं तो कितनी देर आपको लगता है, परसेंटेज में बता सकते हैं, कितना समय अपने को लगता है कि हम अपने साथ कंफर्टेबल रह पाते हैं, जहां मुझे कोई बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं है, ना दूसरे से कोई ध्यान पाने की जरूरत है, ना कोई शरीर से संवेदना पाने की जरूरत है, मेरा अपना विचार और भाव ही मुझे सुखी करता है। ऐसा कितनी देर लगता है दिन भर में, इसमें चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बढ़िया, वरना जी करिए, समीरा जी करिए, पूरे समय अभय जी कह रहे हैं 70%। और ध्यान से देखिए ना, हम अपने साथ कितने कंफर्टेबल हैं। बालवीर जी कह रहे हैं 80%। इसको देखना शुरू करें, देखना शुरू करें कि आप अपने साथ कितने कंफर्टेबल हैं। मजे की बात यह है कि अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम दूसरे के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो थोड़ा और आराम आराम से देखें, है ना, बहुत हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, कि कितनी देर हमको सुख के लिए बाहर नहीं भागना पड़ता। जी, सुख के लिए हमको बाहर नहीं भागना पड़ता, हम अपने आप में आराम में बने रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसका प्रमाण ये होगा कि जब हम व्यवहार करने जाते हैं किसी के साथ तो हमारे व्यवहार से अगले को सुख मिलेगा, जब कोई कार्य करने जाते हैं तो कार्य से व्यवस्था बनेगी, हमारा कार्य व्यवस्थित ढंग से हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाती है ना, तो सुख की निरंतरता हो जाती है, जब पूरी कल्पनाशीलता हमारी समझ के आधार पर निश्चित हो पाती है, व्यवस्थित हो पाती है। इसके साथ उन्होंने फिर शरीर की मैं के साथ व्यवस्था की बात की, जिसे समृद्धि और स्वास्थ्य पर स्पष्टता बनी। तो दिखता है कि शरीर एक जड़ इकाई है, मैं चैतन्य इकाई हूँ, ये शरीर जो है ये मेरे एक साधन के रूप में काम कर रहा है। जब ये मुझे दिखता है कि शरीर साधन के रूप में काम कर रहा है तो मैं शरीर के लिए जिम्मेदार होता हूँ, जिम्मेदार होता हूँ मैं तीन लक्ष्य के लिए, तीन प्रयोजनों से शरीर प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ। एक तो शरीर के पोषण के प्रति, दूसरा शरीर के संरक्षण के प्रति, तीसरा सदुपयोग के प्रति। तो शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है, अपने को दिखता है, शरीर के संरक्षण के लिए कपड़े मकान की आवश्यकता है, शरीर के सदुपयोग के लिए साधन की आवश्यकता है। और ध्यान देते हैं तो दिखता है कि ये तीनों ही सीमित मात्रा में चाहिए। जब ऐसा दिखता है मुझे तो समृद्धि और स्पष्ट होता है कि अब मेरी सुविधा की कोई भी आवश्यकता है वो इन्हीं तीन कारणों से हो सकती है, चौथा तो कोई कारण हो नहीं सकता। तो हम घर में उपलब्ध चीजों का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारे घर में कितनी ऐसी चीजें हैं जो शरीर के पोषण के अर्थ में
या शरीर के संरक्षण के अर्थ में, या सदुपयोग के अर्थ में, या अन्यथा इनमें से किसी अर्थ में नहीं। तो आपको दिखाई देगा कि इन तीनों परपजेस से जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित मात्रा में है। तो जब मैं सुविधा की आवश्यकता को ठीक से पूरा करता हूँ तो शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है। स्वास्थ्य बने रहने का मतलब शरीर मैं के अनुसार कार्य कर पाता है और शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों में व्यवस्था हो पाती है। तो समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों के लिए कार्यक्रम यहाँ एक निष्कर्ष के रूप में निकलता है। तो समृद्धि के लिए दिखता है कि मुझे सुविधा की आवश्यकता की पहचान करनी है और उससे अधिक अपने को उत्पादन करना है ताकि सुविधा की आवश्यकता पूरी हो जाए। तो आवश्यक सुविधा का निर्धारण करता हूँ जो सही समझ से हो पाता है और उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव सुनिश्चित कर पाता हूँ जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से होता है। मैं कितना समृद्ध हूँ ये इस बात से तय होता है कि मैं दूसरे का पोषण कितना सोचता हूँ। अगर मैं दूसरे का शोषण करने की सोच रहा हूँ यानी समृद्धि का भाव नहीं है, तो मैं यदि पोषण करने की सोच रहा हूँ तब तो मैं समृद्ध हूँ, अगर शोषण करने की सोच रहा हूँ तो समृद्ध नहीं। वैसे अगर सदुपयोग का सोचता हूँ तो कह सकते हैं कि हाँ समृद्ध हूँ, अगर संग्रह और करने की सोचता हूँ तो दरिद्र हूँ। स्वास्थ्य के लिए अगर कार्यक्रम को देखें तो दिखता है कि स्वास्थ्य के लिए चार प्रकार के कार्यक्रम है। पहला जो कार्यक्रम आहार विहार का है, दूसरा श्रम व्यायाम का है, तीसरा आसन प्राणायाम का है, चौथा औषधि और चिकित्सा का है। तो जो नियमित रूप से करने के लिए काम है वो आहार विहार और श्रम का है। इतने करते हुए शरीर की अगर आवश्यकता नहीं पूरी हो पा रही ठीक से तो हम फिर व्यायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इनके बाद भी यदि शरीर बीमार पड़ जाता है तो औषधि ले सकते हैं और आखिरी विकल्प है कि हम उपचार या शल्य चिकित्सा के लिए जा सकते हैं। ठीक, इतने को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी संजय जी कुछ कह रहे हैं। ओके सर, हो गया था सर, सॉरी। अच्छा ठीक है। फिर हम उन्होंने परिवार में संबंधों की बात की जिसमें दिखता है कि जो संबंध है उसका आधार विश्वास है और विश्वास के भाव को समझा जा सकता है, विश्वास के भाव के साथ जिया जा सकता है और हर एक पर विश्वास किया जा सकता है। कैसे? जब हमें ये दिखता है कि जैसे मैं स्वयं सुखी होना चाहता हूँ, हर दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, वैसा ही दूसरा भी है। हमारा स्वत्व तो सुखी होने सुखी करने का है, जो हमारी सह स्वीकृति है वो तो इसी अर्थ में है। इसमें कोई फेरबदल नहीं है, कोई कमी नहीं है, मानव होना मात्र पर्याप्त है। ये बात मुझे जब सहज रूप से दिखता है, और दिखने का मतलब मुझे स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि मुझे विचार करना पड़ता उसके लिए कि अच्छा वास्तव में ऐसी बात कही गई थी तो ऐसा विचार करके देखें। जब स्वयं में मुझे दिखता है तो मुझे क्षण भर के लिए भी दूसरे की चाहना पर कोई शंका नहीं होती। जब दूसरे की चाहना पर शंका नहीं होती तो इरिटेशन, एंगर, अपोजिशन, ये सब भाव बनते ही नहीं हमारे अंदर। मैं अपने आप में हर क्षण हर मनुष्य के प्रति आश्वस्त बना रहता हूँ, आराम में रहता हूँ। हाँ, ये दिखता है कि मैं भी चाहने के बावजूद ही समझ के भाव में जैसे अपने आप को सुखी नहीं कर पाता, दूसरे को सुखी नहीं कर पाता, वैसे दूसरा भी है। तो हम सबके चाहने में कोई अंतर नहीं है। ये बात हम सबको स्पष्ट हो पाई है। इस पर कोई प्रश्न हो तो उसको ले लेते हैं कि दूसरे की चाहना मुझे सुखी करने की ही है, ये बात हमको स्पष्ट हो पाई है क्या? अगर स्पष्ट हो गई है तो हम हाँ कह दें चैट बॉक्स में। स्पष्ट है सर, जिस प्रकार से मैं अपने आप में अपने आप को लगता है कि मेरी भावना है कि दूसरा सुखी रहे, तो इसी प्रकार उस जगह दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति की जगह हम अपने आप को रख करके सोचे तो वही भावना उसके अंदर भी है, जो अंतिम जो कहने के सह स्वीकृति के आधार पर कि दूसरा ही वही चाहता है, अपने को सुखी रखना चाहता है और दूसरे को भी सुखी करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हमको स्पष्ट रूप से दिखना है। डॉक्टर साहब, राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, खुद को समझना और क्लियरिटी के साथ समझना, ये काफी चीजें स्पष्ट हो पा रही है, लेकिन जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जैसे ऑफिस में भ्रष्टाचार एक मुद्दा, तो हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जैसे हमने खुद में करेक्शन किया, अच्छे से कर लिया है, और हमारे लेवल पे ये कोई नहीं कह सकता कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, पर हमारे सामने ये पूरा ग्रुप इस चीज को लेके चलता रहता है,
तो हम उसको खत्म करने में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कोई झगड़ा ना हो और आगे काम भी आगे बढ़ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब क्या ऐसे कुछ है, या कोई ऐसा प्रेजेंटेशन भी आपकी तरफ से होता है क्या कि कोई मुद्दे को लेके हम बात करें, जैसे भ्रष्टाचार को लेके ही बात करें? देखिए, इसका जो निश्चित समाधान है वो तो व्यक्ति के अंदर समृद्धि का भाव सुनिश्चित करना है। जो व्यक्ति भ्रष्ट है वो क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि उसको सुविधा का अभाव लगता है। उस सुविधा के अभाव को पहले वो श्रम पूर्वक पूरा करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको श्रम करना मुश्किल दिखता है, तो बहुत सारे अदरवाइज तरीके इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो भ्रष्टाचार बन जाता है। तो जो निश्चित समाधान है वो तो समृद्धि का भाव सुनिश्चित होना है। तो हम कहीं भी है, कार्यस्थल पे बात करें, परिवार में बात करें, आसपास पड़ोस में बात करें, तो हमको ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जब तक व्यक्ति के अंदर समृद्धि का भाव नहीं होगा, तब तक वो भ्रष्ट रहेगा ही किसी न किसी पैमाने में। तो वही और मैं यदि कह रहा हूँ समृद्धि का सर भाव होगा, कि जी जैसे मेरे यहाँ का लिपिक है, मान लो बहुत, उसकी तनख्वाह 30,000 है, तो समझ में बात आती है कि ये सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है, बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन करोड़ों अरबों वाले लोग भी पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हैं, वो तो समृद्धि और पता नहीं उनका क्या क्या है उनके पास, इसके बाद भी उन चीजों को वो प्रमोट ही कर रहे हैं, तो कहीं पर हम असहाय जैसा महसूस करने लगते हैं, तो इससे कैसे ओवरकम करें हम लोग? जी मैं उसको दोबारा नहीं तो ओपन करता हूँ कि ये जो अरबों खरबों रुपए कमाए हुए लोग भी हैं, इनको अपनी सुविधा की आवश्यकता की पहचान हुई है कि नहीं, कहना मुश्किल है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा देखिए तो कोई चीज मेरी आवश्यकता नहीं है, अब मैं उसको सर पे ढो रहा हूँ, तो नासमझी दिखाई देती है। ये अरबों खरबों रुपए अगर मेरी आवश्यकता है तब तो उसके लिए काम करेंगे, अगर दिख जाए सहज रूप से मेरी आवश्यकता है ही नहीं, क्यों उसके लिए काम करेंगे? और यदि अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद अपने को नहीं दिख पा रहा कि आवश्यकता से अधिक हुआ, तो शुद्ध रूप से ना समझिए। जैसे एक उदाहरण लिया जाए कि किसी व्यक्ति को अपने सिर पे टोकरी में कचरा ढोना हो, ठीक, तो व्यक्ति नहीं स्वीकारेगा उसको ढोने के लिए, बट जब तक व्यक्ति को लगता है कि कचरा नहीं है, बहुत मूल्यवान वस्तु है, उसको ढोता रहता है। वैसे हमको अगर सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो जाए ना, तो ये जो आवश्यकता से बहुत सारा अधिक जमा करने का भाव है अपने आप गिर जाता है, कचरा जैसा ही दिखता है। क्योंकि एक तो उसके लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाइए, समय लगाइए, संबंधों को खराब करिए, स्वास्थ्य को खराब करिए, स्वयं में तनाव झेलिए, दुखी रहिए, दूसरों को दुखी करिए, क्या उपकार हुआ इससे? ना मेरा हुआ ना अगले का हुआ। तो एक बार हमको सुविधा की आवश्यकता सहज रूप से दिख जाती है ना, तो समृद्धि का भाव भी आता है, दूसरे का पोषण करने का भाव आता है, और ये जो अनावश्यक से संग्रह करने की प्रवृत्ति है अपने आप ही गायब हो जाती है, चली जाती है। तो ये अपने को दिखता है कि जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है इस तरह के अनएथिकल प्रैक्टिसेस का, वो तो समझदारी है। तो अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो तभी जाएगा जब व्यक्ति के अंदर सुविधा की आवश्यकता की समझ होगी। और ऐसे कई साथी अपने आए परिचय में जिन्होंने वर्कशॉप किया, और वर्कशॉप करते करते उनको बात स्पष्ट हो गई। अपने एक साथी रहे, वो एक जगह काम करते थे जहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत था, और कहीं ना कहीं वो भी उलझ जाते थे। तो उनको वर्कशॉप करके तीसरे चौथे दिन ये बात लगा कि हाँ, मैं चाहे जितना भी कमा रहा हूँ, मैं हूँ तो वो दरिद्र ही। वर्कशॉप से जाने के बाद उन्होंने ऑफिस में जाके सब जो भी चल रहा था उसमें से अपने आप विड्रॉ कर लिया कि मैं इसको नहीं करूंगा। अब जब कर लिया तो उनकी आय तो बहुत कम थी उस समय, ये इधर उधर से आमदनी होती थी तो उससे बहुत ज्यादा आय हो जाती थी उनकी। उन्होंने उसको अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ कर लिया, घर की आय कम हो गई। घर की आय कम हो गई तो फिर पत्नी को कठिनाई हुई घर चलाने में। पति ने शिकायत करना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि मेरे अकेले समझने से तो होगा नहीं, है ना, आप भी चलो, आप भी वर्कशॉप करो। तो अपनी पत्नी को लेकर आया वर्कशॉप में। फिर उनका छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत उसके भी ग्रजे जाने लगे, उस छोटे बच्चे को भी लेकर आया। फिर पति पत्नी बच्चा सबने वर्कशॉप भी कर लिया। अब इन तीनों की स्वीकृति बन गई कि हाँ, ये जीना तो ठीक है, इसमें सुख भी है, समाधान भी है, आपस में संबंध भी अच्छा रहेगा। तो उसमें ये स्थिति बन गई कि जहाँ वो पहले अपनी एक कार में चलते थे, अब वो एक स्कूटर ले आए, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पे चलने लगे। जहाँ इतना बड़ा मकान बना रखा था उसके एक हिस्से में रहकर बाकी दो हिस्सों को उन्होंने किराए पर उठा दिया ताकि उनके घर की आय पूरी हो पाए। तो इतना सारा शिफ्ट अपने आप आ जाता है जब व्यक्ति के अंदर समझ होती है, जब व्यक्ति को अपनी सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाती है। डॉक्टर साहब, मतलब हर आदमी को इस प्रक्रिया से जब गुजरेगा तब जाके उसको ये बात समझ में आ सकती है ना? कितना समय लगेगा इसमें फर्क होगा,
किसी को एक वर्कशॉप के दूसरे तीसरे दिन ही समझ में आ जाए, किसी को एक वर्कशॉप के बाद भी समझ में आए, किसी को एक वर्कशॉप के बाद भी न समझ में आए, ये हो सकता है, इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब एक केवल अपेक्षा है कि जैसे हमने 5 दिन ये बात की है, तो इसको लेके 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद एक फॉलो अप वर्कशॉप होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। और मुझे थोड़ा सा डॉक्टर साहब कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे नाम से पुकार लीजिए जी, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। हम लोग तो चाहेंगे, देखिए एक वर्कशॉप में हमने कोई बात सुनी और पहले वर्कशॉप में तो बात अच्छी लगती है अपने को कि हाँ अच्छी बात है ना, थोड़ा बहुत समझ में आना भी शुरू होता है। दूसरे वर्कशॉप में ठीक से समझ में आता है कि अभी बहुत कुछ समझना शेष है, अभी तो हमने सुना है, विचार किया, विचार में बात अच्छी लगी है, परंतु उन बातों को जांचना समझना तो भी शेष है और अभी तो काम शुरू होना है, ये ताकि हाँ, दूसरे वर्कशॉप में समझ में आता है। सर सुबह हम चर्चा कर रहे थे ना, कल आपने जब दया कृपा और करुणा और इसके बारे में बताया था जी, तो ऐसे लग रहा था जैसे आपने चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, लेकिन जब मैं भाव के स्तर पर देखता हूँ ना तो उलझ जाता हूँ। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि इन चीजों को महसूस करना बहुत अच्छे से महसूस की जा सकती है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन हो जाता है। वही तो, जब हम जीते हैं ना, उसे जांचना और जीकर देखना दोनों बातें महत्वपूर्ण। जब हम जीने जाते हैं, जब परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो हम नए सिरे से उनका विश्लेषण करते हैं, जब विश्लेषण करते हैं तो हमारे अंदर नए नए प्रश्न बनते हैं। अगर हमको बात समझ में आई तब तो उन प्रश्नों का उत्तर सहज रूप से मिल पाता है, नहीं तो उलझ जाते हैं। और इस समझ को पूरा करने के लिए इन बातों पे बार बार ध्यान देना, जांचना, जी कर देखना आवश्यक है। तो इनफैक्ट इसको तो हम एक कार्यक्रम बना सकते हैं कि भाई दिन भर में इतना समय तो समझने के लिए लगना ही है। डॉक्टर साहब एक निवेदन के साथ आपसे केवल लास्ट बात करूंगा, सभी साथी फिर बात करेंगे जी। अगर मान लो फ्यूचर में कभी ऐसे होता है कि हमारे यहाँ कोई 100 लोगों का ग्रुप है और वो चाहता है कि वो सीधे आपसे जुड़ के 5 दिन या 6 दिन की वर्कशॉप करे, तो कैसा संभव हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, मतलब उसमें रिसोर्स पर्सन मैं रहूँ या कोई और साथी रहे, बट हाँ कोई तो भी रहे जी, जी आगे जी। तो करना ही है इसको, बिल्कुल बिल्कुल करना है। ओके थैंक यू सर, इसको एक अनवरत कार्यक्रम के रूप में लेके चल सकते हैं हम लोग जी। जरूर सर, थैंक यू। लखन लाल जी ने हैंड रेज किया है जी। मेरा सवाल इसी को और आगे ले जाने का है, इन कार्यक्रम से वस्तुतः जो परिवर्तन समाज में चाहते हैं, खुद में चाहते हैं, वो जैसे कि अभी राजन जी बता रहे थे मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन जो अर्मो फर्मो है वो ठीक नहीं है। तो मेरा मौलिक प्रश्न आपसे भी है और इसके पहले इनिशिएटिव आप चेंज से भी मेरा ये था पंचगनी पुणे से, कि हम 40 लाख के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है चलता रहे, लेकिन अगर हम उन सिर्फ एक साल में देश में लगभग 400 IAS IPS होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, एक स्टेट में ज्यादा से ज्यादा 400 विधायक होते हैं, अगर हम उनके साथ क्यों नहीं कर रहे, उनमें सहज स्वीकृति आ जाए, तो ये जो 40 लाख की मेहनत है ये इतनी उसकी आवश्यकता शायद ना पड़े। ठीक है नीचे से भी चले, ऊपर से क्यों शुरू नहीं है, नीचे से तो चालू। मैं थोड़ा इसको आपको स्पष्ट कर दूं कि इन स्तरों पर बैठे हुए लोगों से ही बात हुई है, वो लोग हमें सुझाव को नहीं देते हैं, पहले आप उनको समझाओ, हम उनके दबाव में हैं। तो बात दोनों तरफ हो रही है ना, अगर आप देखें तो इनफैक्ट इसलिए हमने शिक्षा में काम करना शुरू किया कि शिक्षा से ही हर व्यक्ति तैयार होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सिर्फ वही गलती कर रहे हैं, उनको भी नीचे बैठे हुए लोगों के बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने का दबाव है और समझ का भाव दोनों तरफ है, तो मिला जुलाकर समाज की स्थिति बिगड़ जाती है। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ज्यादा गलत हैं, जो नीचे बैठे हुए लोग हैं कम गलत हैं, परंतु अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी अपनी स्थिति से दुखी हैं, परेशान हैं, वो भी उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा कई लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा भी है संवाद में, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, परंतु यदि उसे बाहर निकलेंगे तो फिर जो उनको लोगों की एक सहमति मिलती है, उनका जो चयन किया जाता है वो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन जाती है कि दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से दुखी परेशान रहते हैं,
परंतु ये बात ठीक है, अपने को हर स्तर पर बात पे जाने की जरूरत है ना। अभी भी जिन स्तर पर बात हो रही है, जैसे आप लोग से बात हो रही है, तो आप समाज के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, आपसे ऊपर कुछ लोग होंगे है ना, परंतु आप भी समाज में बहुत ऊपर हिस्से में बैठे हुए लोग हैं और आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं जिन तक बात पहुंचाने की जरूरत है। अभी हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, जैसे अगर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, आदिवासी क्षेत्रों में देखें, तो वहां भी बात पहुंचाने की जरूरत है। तो बात की आवश्यकता तो हर जगह है, इस समझ की आवश्यकता तो हर जगह है। अगर हम शिक्षा को चुनते हैं तो निश्चित कार्यक्रम बनता है, जिस पर बात करेंगे हम लोग। जहां तक पिछले 20-25 वर्षों में प्रयास की बात है, हम लोगों ने तो लगभग समाज के हर हिस्से के साथ काम किया, जेल के कैदियों के साथ किया। इनफैक्ट धीरेन्द्र भैया है, अभी समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो शेयर भी कर सकते हैं कि किस तरह से जेल के कैदियों के साथ भी काम हुआ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी काम हुआ, उसमें मिनिस्टर्स भी कई बार आकर सुन पाए उस बात को। तो इस तरह काम तो हर स्तर के साथ हुआ ही है, गांव के लोगों के साथ काम हुआ। एक बार झाबुआ में ऐसा था कि सुबह से लेकर रात तक वर्कशॉप चलते थे और छोटे बड़े मिलाकर वर्ष भर में कम से कम 300 वर्कशॉप हुए होंगे, कुछ इस तरह का आंकड़ा था। तो इस तरह के बहुत सारा काम हुआ है पास्ट में, है ना। और अभी अपने को सारा प्रयोग करते हुए दिखाई दिया कि जब तक आप शिक्षा में नहीं लेकर आते हैं इसको, तब तक लोगों को बात अच्छी लगती है, लोग प्रभावित होते हैं, परंतु उससे कोई व्यवस्था निकल कर नहीं आती। जी, मेरा सवाल इतना है कि जैसे आप जेल की बात करते, तो मैंने भी छतरपुर जिला जेल में कई सेशन किए हैं और उनकी स्वीकारोक्ति तक मिली है और अदालतों में मैंने जजेस के साथ भी काम किया है ऐसी अल्पविराम को लेकर। मेरा यह है कि जो आप नीचे से जो प्रोसेस है वो गलत, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, वो अनिवार्य हो, चलती रहना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट हो सकता है 50 साल बाद आए, और जो ऊपर से चल रही है उसका रिजल्ट 1 साल में ही मिल सकता है, 2 साल में मिल सकता है, ये मेरे कहने का। ठीक है, उसके लिए प्रयास किया जाए। जैसे एमपी के लिए हम लोग सोचे कि एमपी में जो भी अपने को लगता है कि ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ थोड़ी बातचीत की जाए, एक वातावरण बनाया जाए, उसके लिए काम करेंगे फिर ना, हो सकता है, क्यों नहीं सकता है। परंतु वही है कि समस्या आपको हर जगह दिखाई देगी। और इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग घटना आपसे शेयर करूं कि जब बिलासपुर में हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे एक समय, ये 1997 की बात है, 1997 के मार्च की बात है, तो सुबह में 9 बजे से 1 बजे तक बिलासपुर जेल के कैदियों के लिए वर्कशॉप होता था और 3 बजे से 7 बजे तक वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर्स हैं, पत्रकार हैं, इन सब लोगों के साथ वर्कशॉप होता था। तो जब हम लोग जेल में वर्कशॉप करते थे तो जेल के कैदी कहते थे कि आप हम लोगों को क्यों समझा रहे हो, हम लोग ठीक ठाक लोग हैं, ये बाहर जो है ना ये बदमाश लोग हैं, इनके कारण हम लोग यहाँ अंदर आए हैं। और जब हम लोग ब्यूरोक्रेट से बात करते थे, लोग कहते हैं आप हम लोग के समझो ठीक ठाक लोग हैं, समाज के सभ्य लोग हैं, आप जेल के कैदियों के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो अभी हर व्यक्ति को लगता है कि दूसरा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो दिखाई देगा कि मुझे अपने ऊपर ही बहुत सारा काम करना शेष है। और जितना जितना हम निष्ठापूर्वक अपने में समझ के लिए काम करते हैं, उतना ही हम दूसरा जो अपने ऊपर काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। इनफैक्ट ये जो इंटेंशन पे अश्योरेंस है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब हमको हरेक की चाहना पे आश्वस्ति होती है और हम अपनी योग्यता को बढ़ाने जाते हैं, ये जो दाईं तरफ लिखा है, तब दूसरा भी कितना योग्य है उसका आकलन कर पाते हैं, दूसरा भी अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसका भी हम सम्मान कर पाते हैं। जी, मैं थोड़ा सा इसको लेकर आश्वस्त नहीं हो पाता हूँ कि इसका आउटकम कब आएगा। कितना समय लगेगा, कितना समय लग, तब तक और नए चैलेंजेस आ जाएंगे, तब तक और नई परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगे। तो हम जो चाह रहे हैं जैसे समाज, वैसा हमें तो देखने नहीं मिल रहा कि हमारे बच्चों को भी देखने मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा ना बात ऐसी हो गई, मैं इसको थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाता हूँ, बट इसे बहुत तैयारी नहीं, बहुत चर्चा नहीं करेंगे हम। पहले अपने लिए तय करें कि मुझे पूरी बात को समझने में कितना समय लगेगा, मैं इस बात को तय कर पाता हूँ क्या। जब हम अपने लिए तय नहीं कर पाते तो हम समाज के लिए कैसे तय करेंगे। तो हमको अपने ऊपर पहले ठीक से काम करना है। मैं तो कहूंगा कि अभी 6 महीना अपने ऊपर ठीक से काम किया जाए, तब इस बात की गहराई आपको दिखेगी। इसके फॉलोअप वर्कशॉप में आप आइए, मीटिंग्स में आइए, चर्चा करें, तो इसकी पूरी गहराई दिखाई देगी। तो लिखता है कि हाँ, अपने ऊपर भी काम करने में बहुत सारा समय लग सकता है। तो फिर ये हड़बड़ी जो है ना कि समाज में सब कुछ ठीक हो जाए, ये हड़बड़ी चली जाती है। हमको दिखता है कि ठीक तभी होगा जब उसके आधार में ये मौलिक काम होगा। ये जो बाहर चीजें ठीक हो जाए इसको आशा कहते हैं, कि आशा बन गई कि बाहर चीजें ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा ये विचार की वस्तु है। उसके लिए मुझे है ना अपने आप में क्या काम करना है,
व्यवस्था का सही स्वरूप क्या होगा वो स्पष्ट होना, ये सब इच्छा के स्तर की बात है। तो पहले तो इच्छा ही बने अपनी, अभी तो आशा से हम चल रहे होते हैं कि बाहर चीजें ठीक हो जाएं, मेरे अनुसार चलने लगे, जैसी आशा रखी है वैसे एक है ना परिवर्तन हो जाए। तो अभी हम अपने आप में अगर जब काम करेंगे ठीक से ना, तो हमको दिखाई देता है कि क्या काम होना है, कितना गहरा काम होना है, और किस तरह से मनुष्य के आचरण में निश्चितता होती है, किस तरह से परिमार्जन होता है, वो स्पष्ट हो पाता है। जी थोड़ा समय कम है, धीरेन्द्र ने हैंड रेज किया, धीरेन्द्र को सुन लेते हैं। मैं भैया बस एक बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पहली बार जब मैंने भी जब युद्ध का जब प्रस्ताव आपने है जब शिविर, तो उसके बाद एक बहुत खूब सारी आशा और उमंग और उत्साह उमड़ता है और बहुत कुछ अव्यवस्था में तो मैं भी था, तो उसके बाद मुझे तो नहीं समझ में आया, पर मेरी नींद ने मुझे ये बताया कि जब आपने एक बार कर लिया इसको उसको, तो उसके बाद जो आता है उसको आप पूरा का कोर्स जो है वो 6-7 दिन का घंटे में पूरा बता देते हो, तो लोगों ने फिर घर पे आना ही बंद कर दिया डरे कि वो यही बातें करने वाले हैं। और दिक्कत ये थी कि जो हमारा जो पास है वो पास तो सबको पता है कि न कहीं किसी न किसी प्रकार की अव्यवस्था में हम जीते रहे हैं, जीते रहने के आदि रहे हैं, तो जब तक प्रमाणिक रूप से खुद का जीना आरंभ नहीं होता तब तक लोग जो है वो बहुत ज्यादा आपको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट यू डू मेक सो मच नॉइस, व्हाट यू से कैन नॉट बी हर्ड, तो कुछ वैसा ही है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि खूब जोर से लगे, फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं अभी तो कुछ अपने आप पे काम करना बाकी है, आपको व्यवस्था में लाना भी है। निश्चय ही जो मानव का मन वो तो सर्व कल्याण के होता है, तो सीधे सीधे चिंता जो है हम अपने परिवार की और समाज की छोड़ते हुए विश्व की चिंता पे सीधे ही उतर आए, तो ये तो मन में एक जो कल्याण का भाव है उस कारण होता है। परंतु थोड़ा मुझे लग भैया मैंने भी अपने आप को दिया है, दे भी रहा हूँ, थोड़ा समय देने की जरूरत है तक एक बार पूरी बात को अलग अलग लेवल से बताया है आपने कि 2-3 लेवल पर जो पूरी बात की है वर्कशॉप की है, तो एक बार अपने आप को करीब 1-2 साल का समय देना चाहिए, 1-2 साल समय देने के बाद फिर बाकी फिर पूरे विश्व की चिंता मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग अवस्था में अलग अलग स्थिति में है, तो कौन कहां काम शुरू कर सकता है, तो ये तो अपना ही जजमेंट होगा और अपने मूल्यांकन के आधार पर ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है भैया। धन्यवाद कुमार भैया। जी भैया, कमलेश भैया ने हैंड रेज किया। जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी सर, जैसे इसमें अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि जब लोगों के पास में जाते हैं तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते, विशेषकर मुझे लगता है शासकीय अधिकारी जैसे क्लास 1 क्लास 2 लोग हैं। तो एक साथ में एक बार मेरे साथ में थोड़ी छोटी सी घटना घटी थी, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा शॉर्ट में, कि जेल में मैंने 1 सप्ताह का कार्यक्रम लिया और जब फर्स्ट दिन मैंने कलेक्टर साहब का पत्र लेकर के जेल में पहुंचा और वहां के जेल अधीक्षक श्री नरेंद्र प्रताप सिंह से मिले, तो उन्होंने 3 चीज कही। बोले तिवारी जी, यहाँ 3 चीज लोग चाहते हैं कि किस प्रकार मेरी जमानत हो जाए और कैसे मैं बाउंड्री कूद करके बाहर चला जाऊं, और इस जो अंदर की वो है इससे मैं कैसे छुटकारा मिल जाए, भले ही हम अज्ञात जीवन अपन बिता लें कहीं पर, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन चलो भाई पत्र लेके आए हो तो ठीक है, व्यवस्था करा देते हैं। 3 दिन तक कार्यक्रम चला, 1.5 घंटे का चलता था पर डे। तीसरे दिन वो टहलते हुए, वो प्यार वगैरह होती थी, प्रेयर वगैरह करने के बाद में वो टहलते हुए जो हाल रहता है केंद्रीय जेल के अंदर वहां पे चले गए। पहले तो 2-3 मिनट वो खड़े खड़े ऐसे टहलते रहे, इसके बाद आकर के बैठ गए, 2 चेयर ऊपर रखी थी, बैठ गए। वो बैठने के बाद वो करीब 1 घंटा करीब बाद सत्र समाप्त हुआ, और जब चलने लगे तो जो वहां पे कल्याण अधिकारी थे तो उनसे बोले कि तिवारी जी को लेके हमारे चेम्बर में आना। अब जब उनसे जब गया तो बोले ये बताओ कि ये चीज कब से चालू हुई, कैसे हुई, तो उनको पूरा अपने राजन संस्थान के अल्प विराम के बारे में बताए, और जो 3 दिन शेष बचे थे बोले कितने बजे चालू करते हो, तो हमने कहा सर 9:30 से रहता है, तो फुल टाइम हो, जैसे हम लोग एक कार्यक्रम स्टार्ट होता था तो आके बैठ जाते थे चुपचाप, बोलते कुछ नहीं थे और चले जाते थे। वो लास्ट दिन फिर जब समापन हुआ तो जो हमारे नोडा अधिकारी थे सिटी मजिस्ट्रेट, वो भी गई थी समापन में, और उन्होंने आग्रह किया था कि इसको अपन निरंतर कैसे रख सकते हैं कि हम प्रत्येक कैदी तक
इसको पहुंचा सकें। और स्टाफ के साथ में भी 15 दिन बाद उनके ऐसा हुआ। तो मेरा कहने का पर्पस मुझे लगता है कि ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बात फैक्ट है, अगर हम चलते फिरते किसी व्यक्ति को 2-4-10 मिनट में बताने का प्रयास करें तो बिल्कुल ही इग्नोर करेगा और सुनने को ही तैयार नहीं होता। लेकिन अगर वो उसको अपन सही समय में और कुछ दे पाए और सही समय में वो सुन पाए तो फिर दोबारा बाहर जाने के लिए नहीं सोचता है और ससम्मान इसको ग्रहण करने का भी प्रयास करता है और अपने स्तर से अपने स्टाफ के साथ में भी इसको डिलीवर करने का प्रयास करता है। थैंक यू सर। रमेश व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। जहां तक आचार्य जी ने बात कही थी वो यक्ष प्रश्न है और आज 5 साल पहले जब उन्होंने ये बात कही थी मेरे ख्याल से 23-24 मार्च 2016 सप्ताह को पंचगनी में, आज भी वही प्रश्न खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम और आप एक ही विधा से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, आप काफी समय से बढ़ रहे हैं, हम लोग 5 साल से बढ़ रहे हैं, तो रिफाइन तो हो रहे हैं और इस दवाई को खाते खाते हम कहीं पहुंच जाएंगे शायद। परंतु जो दवाई को लॉन्च किया है जिन्होंने, क्या उस दवाई के लिए हम किसी तरह से जस्टिफाई करके नीचे ही नीचे देते रहेंगे? ये तो बात मेरे ख्याल से सिर्फ हमें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप और हम के साथ ही लागू हो रही है, परंतु ये किसी ना किसी से जैसे यहाँ पर वो जोर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस स्तर से शुरुआत करें, वो स्वयं में जोर क्यों नहीं डालते, वो क्यों नहीं चाहते कि इस स्तर से भी शुरुआत होनी चाहिए? यदि डिमांड नीचे स्तर से आ रही है तो आने दें, परंतु वो स्वयं क्यों नहीं बनना चाहते कि दीपक उनके हाथ में होना चाहिए? दीपक सिर्फ हमारे हाथ में, हमारे साथ के या कैदियों के हाथ में हो या शिक्षकों या किसी के हाथ में हो, इससे अच्छा है कि वो उनके हाथ में ही दीपक होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हम और आप एक ही विधा से जुड़े, रास्ते अलग अलग हैं, पर हम और आपका लक्ष्य एक समान है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात खड़ी रह जाती है और हम आगे बढ़ नहीं पाते। थैंक यू जी। ठीक है ना, इसके लिए एमपी में प्रयास किया जाए कि जो ऊपर बैठे हुए लोग, मुझे लगता है आप लोग का इशारा जो है वो जो पॉलिटिकल लोग हैं उन तक, उनके बारे में, तो उनके साथ हम कुछ प्रयास करके देखें क्या उनकी तरफ से विश्लेषण आता है। थोड़ा सा आप अगर उसको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आज के दिन आपको दिखाई दिया है कि जिस तरह से राजनीति होती है उसमें बहुत सारे जो राजनीति के लोग हैं वो उद्योगपतियों के दबाव में होते हैं। जो उद्योगपति हैं वो बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, कोलैबोरेशंस हैं, उनके दबाव में होते हैं और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो बेसिकली उनकी भी इच्छाएं वही बन जाती हैं जो बड़े उद्योग चलाने वाले लोगों की होती हैं। तो आपको थोड़ा सा वो दिखाई देगा कि एक उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसा नहीं कि एक एंड पे ही सिर्फ कठिनाई है, ये सारी चीजें आपको से जुड़ जाती हैं। और सारे प्रयोगों के बाद भी आपको दिखाई देगा कि अल्टीमेटली आदमी को ठीक होना है और किस आदमी को ठीक होना है, तो जिस आदमी में समझने की प्रवृत्ति है वहां से काम शुरू किया जाए। तो हम हर स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपको लगता है कि एमपी इस तरह की जरूरत है तो एमपी में हम प्रयास करके देखें, उसको हम प्रयोग करें और हम देखें क्या निष्कर्ष निकलते हैं। परंतु अल्टीमेटली आपको यही दिखाई देगा कि समझना व्यक्ति को है और जिस व्यक्ति का एक पहले से तत्परता बना हुआ समझने के लिए, उसके साथ काम करना ज्यादा सुगम होगा, वहां से काम शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे हमको हर स्तर पर ले जाना होगा और उसका एक जो सही विधि निकलेगा आपके लिए ना, जो समाधान बनेगा समाज के लिए, वो तभी होगा जब शिक्षा पे काम होगा ठीक से। क्योंकि शिक्षा से ही पेरेंट्स तैयार होते हैं, शिक्षा से ही पॉलिसी मेकर्स तैयार होते हैं, जो भी लोग निकलते हैं जिस भी आयाम में जाते हैं समाज के, अल्टीमेटली शिक्षा से निकलते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रयोग को पिछले 10-15 सालों में किया, इसको लोक शिक्षा कहते हैं, और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब तक शिक्षा पे काम नहीं होगा तब तक कि चारों तरफ विसंगतियां रहेंगी, और शिक्षा पे अगर ठीक ढंग से काम कर लें तो एक या दो पीढ़ी में समाधान निकल आएगा। अदरवाइज वैसा हो जाता है कि आपने एक गड्ढा खोदा ना और दूसरे मिट्टी से दूसरे गड्ढे को भर दिया, फिर दूसरा खोदा उसे आपने पहले गड्ढे को भर दिया और यही काम चलता रहता है। तो इसलिए अगर आपको सस्टेनेबल ढंग से समाज में परिवर्तन लाना है तो शिक्षा पे काम करने की जरूरत है। आज के दिन पेरेंट्स की भी ऐसी स्थिति है कि सुविधा संग्रह को ही लक्ष्य मानते हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी स्थिति भी ऐसी कि सुविधा संग्रह को ही लक्ष्य मानते हैं। समाज में एक प्रचलित मान्यता है कि भाई सुविधा संग्रह से सुख है, जीवन एक संघर्ष है, हर व्यक्ति तुम्हारा विरोधी है, हर कोई तुम्हें दुखी करना चाहता है। अब इस तरह की मान्यताएं जो बन गई है ना, शिक्षा विधि से ही दूर होगी। अगर पूरे क्रम को देखें तो दिखता है कि शिक्षा से जो कुछ ठीक ठाक लोग तैयार होते हैं वो फिर संविधान पे काम कर सकते हैं। संविधान ठीक होता है तो फिर हम उसको
व्यवस्था में ले जा सकते हैं, और व्यवस्था जब ठीक होती है तो उससे हर मनुष्य के आचरण में सही जीना होना होने लगता है। तो संविधान पे भी अभी आप देखें तो काम किसी मापदंड में हुआ, इनफैक्ट अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप देखें तो इतना सारा जो काम हो रहा है उसी का फलन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इतनी प्राथमिकता दी गई है। भूटान में जहाँ हम लोग काम करते रहे, शिक्षा से काम शुरू किया और उसमें संयोग ऐसा बना कि वहाँ की जो मिनिस्ट्री थी, दो तीन मिनिस्ट्री ने अटेंड किया, वहाँ की जो क्वीन मदर हैं उन्होंने अटेंड किया और एक संयोग बन पाया। तो जब हम कुछ मूलभूत काम कर पाते हैं, उसका प्रमाण दिखा पाते हैं, तो फिर हर जगह से व्यक्ति आकृष्ट होकर उसको ध्यान भी देता है, समझने का प्रयास भी करता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता तो वही है। ये बात हमको दिखती है कि हर व्यक्ति चाहता तो यही है, परंतु अभी चूंकि सुख का स्रोत बाहर बना हुआ है, इसे हर प्रमाण को बाहर ही ढूंढ रहा होता है। तो हम कहीं एक जगह भी अगर ठीक से काम करके उसको प्रमाणित कर पाए, उसका कुछ हम मूल्यांकन कर पाए, दूसरों के सामने रख पाए, तो दूसरा व्यक्ति उसके ध्यान देगा ही, क्यों नहीं देगा। देखिए, सुविधा संग्रह करके कोई दुखी सुखी नहीं हो पाता, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करके कोई सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि चाहना हर एक की वैसी है। तो हमको ये बात अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो फिर हमको किसी के प्रति कोई रोष, कोई विरोध भी नहीं आता, अपने को दिखता है कि हाँ अल्टीमेटली आदमी को ठीक होना है, और आदमी को ठीक होने के लिए शिक्षा को ठीक होना है। जी, अभी थोड़ा इस पर बात करेंगे और लंबी बात हो जाएगी, और मुझे इसको समाप्त भी करना है और आज आगे बात लेके चलनी है। बालवीर जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा था। जी जी सर, आज्ञा है। जी सुधीर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा सा उसी बात का समर्थन जैसा ही मान लीजिए आप, लेकिन जिनके हाथ में नीति, नियम, व्यवस्था और प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं हम उससे सबसे जुड़े हुए हैं। तो हम आपके साथ जोड़ लिए, राजानंद संस्थान के साथ जोड़ लिए, समझ थोड़ी सी विकसित हो गई, लेकिन जिनके हाथ में ये सब कुछ है उससे सहमति नहीं हो पाती, लेकिन काम तो करना उन्हीं के हिसाब से पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वहां जो बात हो रही थी अभी सर हमारे कह रहे थे, राजन सर, व्यास सर, तो वहां थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन पैदा होता है, उस दिशा में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। देखिए, नीति में तो कल को आ जाए, उस नीति के अनुसार जिएगा कौन, अगर स्पष्ट रूप से पूछा जाए। कल नीति में आ जाएगी कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है ना, हर व्यक्ति को इतनी सुविधा की जरूरत है, इससे अधिक किसी को नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस नीति को बनाएगा उसका सभी विरोध करना शुरू करेंगे। तो नीति मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, नीति में तो दो दिन में आ सकता है, परंतु उस नीति में आने के बाद उसको जिएगा कौन, सभी उस नीति निर्धारक के विरोध में आ जाएंगे। ऐसा कई बार परंपरा में हुआ भी है, दिखता भी है। जी बालवीर जी, आपको सुनते हैं फिर बात आगे लेके चलते हैं। जी सर, मैं एक इसी बात को लेकर अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मैं जिस प्लेस पर काम करता हूँ, तो उस प्लेस पर काम करते हुए मंत्री जी ने एक पत्र भेजा किसी काम करने के लिए कि इस तरह का काम करिए। मैंने, जैसे आपने कहा कि सही समझ के साथ और स्वीकृति, सह स्वीकृति के साथ मैंने विचार किया, तो मुझे लगा कि ये काम ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी से जिन लोगों ने पत्र लिखाया था, तो मंत्री जी के माध्यम से उनने दबाव डाला, इनको यहाँ से डिसमिस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, दिया जाए। अब मुझे अंदर ही अंदर ये द्वंद चल रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा। तो मैं किसी के नहीं, सीधे मंत्री जी के पास पहुंच गया सुबह सुबह। तो उनको मैंने सीधा सीधा कहा कि ऐसी ऐसी बात, ऐसी बात है। उनने भी इस चीज को एनालिसिस किया और आत्मसात किया। तो अंत में उनने यही शब्द बोले कि मैं 100% श्योर हूं कि तू अपनी जगह सही है, तू बिल्कुल गलत नहीं है, और ना मुझे तुझसे कोई परेशानी है। परेशानी बात इतनी है कि तू मुझे वोट नहीं देगा और तू मुझे जिताएगा नहीं, जिन्होंने जो करवा रहे हैं वो मुझे वोट देंगे, वो जिताएंगे। अब मैं क्या करूं बता। ये सब थोड़ा सा देखिए क्या है ना, अभी हम बहुत सारा विचार तो करते हैं, बट जब उसको हम प्रयोग व्यवहार में लाएंगे ना, तो आपको वास्तविक कठिनाइयां दिखाई देंगी। ठीक बात है, थोड़ा बात आगे लेके चलते हैं, है ना। 8 दिन जब आप पूरे वर्कशॉप में बैठेंगे तो इस पे आराम से एक दिन का समय लगाएंगे। जी, तो चाहना में हमको दिखता है कि हर व्यक्ति की चाहना वही है, चाहे कोई मंत्री हो, अधिकारी हो, है ना, कोई बिजनेसमैन हो, आदिवासी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर व्यक्ति की चाहना सही है। ठीक है, समाज के अभाव में योग्यता पूरी नहीं पड़ती। हम लोगों ने सम्मान की बात की तो दिखता है कि सिर्फ चाहना ही नहीं, हर व्यक्ति समझने का कार्यक्रम भी एक ही समान है, सुखी होने का कार्यक्रम भी एक ही समान है, सही समझ, सही भाव संपन्न होना। और हर व्यक्ति में क्षमता भी है सुखी होने की, समझने की। तो लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता सभी में एक समान है। तो दूसरा मेरे जैसा यह हमको दिखता है, योग्यता में फर्क दिखता है। तो अपनी परस्पर योग्यता के सही आकलन के आधार पर मैं अपनी पूरकता को पहचानता हूँ, उसका निर्वाह करता हूँ। तो ये कार्यक्रम निकल के आता है कि यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार और जिम्मेदार है तो मैं दूसरे समझने को तत्पर हूँ, यदि मैं दूसरे से अधिक समझदार और जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ और दूसरे को समझने में सहयोग करता हूँ।
ये पूर्ण सम्मान हुआ दूसरे का। तो अपने को दिखता है कि यहाँ कोई फर्क नहीं है ना। इस चीज को और आप लोग देख लें, कई बार हम सिस्टम से जूझते हुए इस पर शंका करने लगते हैं, चाहना पे, क्षमता पे, कार्यक्रम पे। हमको लगता है हम तो समझेंगे प्रस्ताव पूर्वक, अगला व्यक्ति समझा किसी और विधि से, या मैं तो समझ सकता हूँ अगला नहीं समझ सकता, ऐसा कई बार भाव आता है। ये देख लें कि यहाँ पे हम सभी समान है, योग्यता में फर्क है। उसके साथ जो कार्यक्रम निकल कर आता है वो पूरकता का है। फिर हमने दूसरे भावों की बात की, तो ये दिखता है कि चाहना निरंतर सुख की है, और उसको पूरा करने का मतलब है सही समय सही भाव इंश्योर करना, यानी व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, यही श्रेष्ठता है। तो दिखता है कि विश्वास सम्मान हर एक के प्रति होता है, श्रद्धा उनके प्रति होता है जो श्रेष्ठ हो पाए हैं पूर्णता में, गौरव उनके प्रति होता है जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, और कृतज्ञता हर एक के प्रति होता है, सॉरी कृतज्ञता उन लोगों के प्रति होता है जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया। ये भाव हमको समझ में आते हैं, तो इसको अपने आधार पर जांच भी देख सकते हैं। अभी मेरी स्थिति क्या है, किसी के साथ भी संबंध को नहीं देख पाते हैं, या एक के साथ, या कई के साथ, या हर एक के साथ देख पाते हैं। तो ये दिखता है कि किसी के साथ भी संबंध को नहीं देख पा रहे, हर एक के प्रति विरोध का भाव है, एक या कई के साथ देख पा रहे स्नेह का भाव है, हर एक के साथ संबंध को मैं देख पाता हूँ ये प्रेम का भाव है। तो हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का जो भाव है ये प्रेम है, ये पूर्ण मूल्य है संबंध में। इन भावों की सही पहचान हो पाती है तब जाके मैं उसका निर्वाह कर पाता हूँ, क्योंकि मूल्यांकन करता हूँ उससे उभय सुख होता है, उभय मैंने दोनों, मैं भी सुखी होता हूँ अगला व्यक्ति भी सुखी होता है, ये न्याय है। ये न्याय करने की योग्यता जब मुझे बनती है तो मैं परिवार में भी न्याय कर पाता हूँ, और धीरे धीरे मेरा जो आचरण है पूरे विश्व परिवार में न्याय में भागीदार हो पाता है, मैं अखंड समाज का एक आधार बन जाता हूँ। इन्होंने समाज व्यवस्था की बात की, और दिखता है कि समाज में जीते हुए हम सबका एक सामान्य लक्ष्य हो सकता है, हम सबके कॉमन गोल हो सकते हैं। तो वो कॉमन गोल क्या होगा, तो हर व्यक्ति में समाधान, यही सही समझ सही भाव, जिससे हर व्यक्ति सुखी हो, हर परिवार में समृद्धि, समाज में परस्पर अभय यानी विश्वास, और पूरी प्रकृति में सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो जाए हमारा। तो इसको पूरा करने जाते हैं तो पांच आयाम दिखाई देते हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय, सुरक्षा, विनिमय कोष। उसमें हमने शिक्षा संस्कार पर बात किया था, और दिखता है कि जब इस तरह से समाज व्यवस्थित होता है तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था बन पाती है। प्रकृति में व्यवस्था की बात की, दिखता है कि प्रकृति में मानव के अलावा भी कुछ इकाइयां हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और इन सब में एक परस्पर पूरकता है। समाज के भाव में हम इनका दोहन कर रहे होते हैं, शोषण कर रहे होते हैं, इनको नष्ट कर रहे होते हैं। ये बाकी तीन अवस्थाएं एक दूसरे के लिए पूरक है। मानव भी पूरक हो जाता है जब मानव के अंदर समझ होती है। यदि हमें सही समझ सही ज्ञान हो जाए, इनफैक्ट मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई कहा गया है, ज्ञान अवस्था, क्योंकि ज्ञान हम सबकी मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान को सुनिश्चित कर पाते हैं तो इन सबके साथ हम पूरक हो पाते हैं। तो अगर हम समझ जाए तो हम खुद भी सुखी हो पाते हैं और ये बाकी सबके लिए पूरक भी हो पाते हैं। तो प्रकृति में एक व्यवस्था बनी रहती है, नहीं तो व्यवस्था धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। ये भी दिखता है कि जो मानव का जीना है वो बाकी तीन अवस्थाओं पर निर्भर है, जीव अवस्था हो, प्राण अवस्था हो, पदार्थ अवस्था हो, इन पे निर्भर है। जीव अवस्था मतलब पशु पक्षी, प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे, पदार्थ अवस्था मतलब मिट्टी, हवा, पानी, धातु और धातु। तो हमको बने रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, साधन के रूप में बनाए रखने के लिए, इन बाकी तीन अवस्थाओं का पोषण करना भी जरूरी है। समय समय पे जब उनका दोहन ज्यादा हो जाता है तब कुछ नियम बनाते हैं, है ना, कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं समाज को, परंतु यदि हमको सहज रूप से दिख जाए तो इतना सारा नियम बनाने का या अलग से नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परंतु हम अपने आप से ही कार्यक्रम को ठीक ठीक सुनिश्चित कर पाएंगे। इतनी बात उन्होंने कल तक की थी, उसके आगे बात लेके चलते हैं। अभी और कोई अगर प्रश्न हो तो उसको ले लेते हैं, नहीं तो अस्तित्व की व्यवस्था पे बात शुरू करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न इस बीच, उस मुद्दे पर उन्होंने बात कर ली है, परंतु यदि कोई प्रश्न बना हो तो उस पर बात कर सकते हैं, नहीं तो ये बात शुरू करते हैं अस्तित्व को लेकर। इससे और बहुत सारे मुद्दों पर समाधान मिलेगा अपने को। तो अस्तित्व को सभी स्तरों पर सहअस्तित्व के रूप में देख पाना इस पूरे सत्र का आशय है, और इससे अस्तित्व में व्यवस्था की एक समग्र दृष्टि बनती है अपनी। तो हम लोगों ने मानव, परिवार, समाज, प्रकृति पर बात किया, हम लोग अस्तित्व की बात कर रहे हैं। इससे हमको अस्तित्व अपनी भागीदारी स्पष्ट होती है। तो अस्तित्व का मतलब है अस्ति प्लस त्व,
अस्थि माने है, संस्कृत एक शब्द है होना, तो वह देखें तो इनेटनेस व्यवस्था उसका जो स्वत्व है, तो पूरे अस्तित्व का देखें जो त्व है वह व्यवस्था है। अस्तित्व शब्द को ही अगर विच्छेद किया जाए उसका अर्थ निकल कर आ जाता है, तो दिखता है कि जो कुछ भी है वह व्यवस्था में है, बट इसको मानने की जरूरत नहीं है, इसको ही जांचने की जरूरत है। कैसे जांचेंगे समझेंगे इसके हम लोग आगे थोड़ा उसका विश्लेषण करने कर सकते हैं। तो अस्तित्व को कहा गया सहअस्तित्व, सहअस्तित्व मतलब साथ साथ है और साथ साथ व्यवस्था में है, तो हर इकाई दूसरी इकाई के साथ है और व्यवस्था में है। और पूरी अस्तित्व में देखें तो सिर्फ इकाइयां ही नहीं है, शून्य भी है, और जितनी भी इकाइयां हैं वो शून्य में ही बनी हुई है। शून्य यानी स्पेस, व्यापक, तो जो भी इकाइयां हैं इसी व्यापक में बने रहते हुए संपृक्त हैं, संपृक्तता क्या मतलब है इसको आगे समझेंगे। तो शून्य है ये अपने को दिखाई देता है, इकाइयां हैं ये भी दिखाई देती हैं, इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं ये समझने की वस्तु है। और जब इसको समझ पाते दिखता है कि पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। तो अस्तित्व को देखें तो इकाइयां हैं, शून्य है। अब शून्य को देखें तो हर जगह व्याप्त है कि नहीं, स्पेस कोई ऐसी जगह है जहां पे स्पेस ना हो? स्पेस को देखेंगे तो मेरे चारों तरफ है, मेरे शरीर में भी है, मुझ में भी है, स्पेस हर जगह व्याप्त है। इकाइयों को देखें इकाइयों को दिखाई देगा कि इस आकार में सीमित है, हर इकाई आकार में सीमित है। जैसे अपना शरीर है, मेरा शरीर इकाई आकार में सीमित है, मैं यहाँ पे है ना बैठा हुआ हूँ, मैं भी आकार में सीमित हूँ, शरीर के साथ बना हुआ हूँ, मैं अभी नोएडा में बैठा हुआ हूँ, आकार में सीमित हूँ, किसी एक स्थान पर हूँ, आप एमपी में हैं, किसी दूसरे स्थान पर हैं, तो हम सभी का आकार सीमित है, मेरा भी आकार सीमित है, मेरे शरीर का आकार भी सीमित है, सीमित आकार के, है ना। ये जो शून्य है या सीम है, व्यापक है, हर जगह व्याप्त है, एमपी में भी है, नोएडा में भी है, पूरी धरती पे है, धरती के भीतर भी है, धरती से बाहर भी है, ये जितने भी ग्रह गोल हैं ये सारे इसी शून्य में है, सूरज भी इसी शून्य में है, पृथ्वी इसी शून्य में है, चंद्रमा भी इसी शून्य में है, इतने सारे गैलेक्सीज हैं ये सारे इसी शून्य में है, इसी कोई सीमा नहीं है। ये हर जगह व्याप्त है। और ध्यान से देखते हैं दिखता है कि जो भी इकाइयां हैं वो अपने आप में क्रिया है, जैसे मेरा शरीर ये अपने आप में क्रिया है, ये कंप्यूटर अपने आप में क्रिया है, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, मुझ में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो मैं में भी क्रिया हो रही है, शरीर में भी क्रिया हो रही है, इन सारी जड़ इकाइयों में क्रिया हो रही है, तो हर इकाई स्वयं में क्रिया है और दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्रियाशील हूँ, मैं शरीर का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं शरीर के साथ क्रियाशील हूँ, शरीर मेरे साथ क्रियाशील है, शरीर इस कंप्यूटर के साथ क्रियाशील है, तो हर इकाई स्वयं में क्रिया है और दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है। शून्य को देखें तो शून्य क्रिया शून्य है, यहाँ कोई क्रिया नहीं है, शून्य का मतलब ही क्रिया शून्य, इकाई का मतलब है क्रिया, तो इकाई बराबर क्रिया, शून्य बराबर क्रिया शून्य, तो यहाँ कोई घटना बढ़ना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ये एक समान बना रहता है, यहाँ पे है, यहाँ घटना बढ़ना है, हलचल है, क्रियाएं हैं। और अगर समझ जाते हैं इस संपृक्तता को, दिखता है कि शून्य के सहअस्तित्व में हर इकाई उर्जित है, तो किसी भी इकाई को उठा के देखेंगे पाएंगे उर्जित है, जैसे ये कंप्यूटर उर्जित है, मेरा शरीर उर्जित है, मैं उर्जित हूँ, मुझ में ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा है, कंप्यूटर में ऊर्जा है, इनमें ऊर्जा का घटना बढ़ना हो रहा है, परंतु ये इकाई तो ऊर्जित तो है, जैसे अभी अगर नाश्ता नहीं किए होते तो शरीर में ऊर्जा कम होती, अगर अपने आप में समाधान ना हो तो लगता है कि मेरी ऊर्जा घट गई है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, कुछ करने का उत्साह नहीं रहा, अगर समाधान हो जाए तो उत्साह बढ़ जाता है, तो मुझ में भी ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा है, मेरे अंदर भी ऊर्जा का घटना बढ़ना हो रहा है, शरीर में ऊर्जा घटना बढ़ना हो रहा है,
अभी पावर आ रही है तो कंप्यूटर काम कर रहा है, पावर चला जाए कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इसमें ऊर्जा घट जाएगी। तो इकाइयों में देखें तो ऊर्जा है, और इकाइयों में जो ऊर्जा है वो घटती बढ़ती रहती है। किस प्रकार इकाइयों में ऊर्जा बनी हुई है, अगर इसको देखें तो शून्य के अस्तित्व में बनी हुई है। शून्य इकाई के भीतर भी है बाहर भी है, इसी शून्य में बने रहते हुए हर इकाई ऊर्जित है। तो मैं भी ऊर्जित हूँ किस प्रकार, इस शून्य में, इस व्यापक में बने रहते हुए। मेरा शरीर भी ऊर्जित है किस प्रकार, इसी व्यापक में बने रहते हुए। मेरे और शरीर के बीच में है ना सहअस्तित्व बना हुआ है, शरीर की एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में सहअस्तित्व बना हुआ है, शरीर के एक भाग और दूसरे भाग में ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। अब ये सोच सकते हैं हम कि भाई ऊर्जा कहाँ से मिला शरीर को, तो भोजन से मिला। भोजन को ऊर्जा कहाँ से मिला, तो सूरज की रोशनी से मिला। पौधों को ऊर्जा मिली सूरज की रोशनी से, उन्हीं पौधों से भोजन बना। सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिला, कह सकते हैं कि भाई जो सूरज के अंदर जो फ्यूजन की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, वहां से ऊर्जा मिली। अब मुझे हाइड्रोजन को ऊर्जा कहाँ से मिली, तो किसी पॉइंट पर रुक के कहना पड़ेगा कि वो अपने आप में ऊर्जित है। उसको यही देख लें कि हर इकाई अपने आप में ऊर्जित है। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वहां तक ठीक है, बट हर इकाई अपने आप में ऊर्जित है। हाइड्रोजन अपने आप में ऊर्जित है, हीलियम अपने आप में ऊर्जित है, धरती अपने आप में ऊर्जित है, पेड़ पौधे अपने आप में ऊर्जित है, हवा पानी मिट्टी सब अपने आप में ऊर्जित है, मेरा शरीर भी ऊर्जित है, मैं भी ऊर्जित हूँ, आप भी ऊर्जित हैं। किस प्रकार, शून्य के अस्तित्व में। और ध्यान से देखेंगे तो दिखता है कि शून्य के अस्तित्व में हर इकाई नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्थित है। जैसे कंप्यूटर अपने आप में एक व्यवस्था है, इसको बस स्विच दबाते हैं और एक कंप्यूटर काम करने लगता है, एक निश्चित प्रकार से काम करता है। इसके अगर एक एक अणु परमाणु को लेकर इसको आपस में सामंजस्य से बैठाना पड़े ताकि काम हो पाए, इतना बड़ा काम हो जाता। परंतु ये कंप्यूटर अपने आप में नियंत्रित है, एक निश्चित प्रकार से आचरण कर रहा है, व्यवस्थित है। मेरा शरीर अगर देखें तो मैंने उसमें भोजन डाल दिया, ठीक, अब बाकी सारा काम शरीर अपने आप कर रहा है, पाचन हो रहा है, खून दौड़ रहा है, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े हवा लेने छोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरा शरीर एक व्यवस्था के रूप में काम कर रहा है। इसको हम कई बार नहीं देख पाते, बट आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि शून्य के अस्तित्व में ही व्यवस्थित है, नियंत्रित है। अगर मनुष्य की बात करें, मैं की बात करें, तो देखता है जो मैं भी है ये भी नियंत्रित है किसी रूप में। कैसे, जैसे ही मेरे अंदर कोई भाव विचार आता है जो मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं है, मैं दुखी हो जाता हूँ। और जब भी मेरे अंदर ऐसे भाव की स्थिति बनती है जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, मैं आराम पाता हूँ, सुखी हो जाता हूँ। ये नियंत्रण है जो उपलब्ध है। मैं जैसे ही कोई अव्यवस्था का विचार करता हूँ दुखी होता हूँ, व्यवस्था का विचार करता हूँ सुखी हो पाता हूँ। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना है। यही नियंत्रण उपलब्ध है इस अस्तित्व में बने रहते हुए। तो मैं भी नियंत्रित है किस प्रकार, इसी शून्य के अस्तित्व में। शरीर भी नियंत्रित है, एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत करता है। कि जितना भी कुछ दिखाई दे रहा प्रकृति में, सब कुछ नियंत्रित है। हम बीज डाल दिए, बीज से पौधा बना, पौधे से वृक्ष बना, वृक्ष से फल निकले, फल से बीज निकला, बीज वापस मिट्टी में गया, एक नया वृक्ष बना, और ये सब चल रहा है, एक नियंत्रित ढंग से चल रहा है, एक निश्चित ढंग से चल रहा है, व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। किस प्रकार चल रहा है, इसे शून्य में बने रहते हुए। और आगे देखेंगे तो पाएंगे कि शून्य के अस्तित्व में ही हर इकाई परस्परता को पहचानती और निर्वाह करती है। तो शरीर का एक अंग दूसरे अंग के साथ परस्परता को पहचान और निर्वाह कर रहा है। मैं इस शरीर के साथ परस्परता को पहचान रहा हूँ, निर्वाह कर रहा हूँ। शरीर मेरे साथ परस्परता को पहचान रहा, निर्वाह कर रहा है। एक मानव के रूप में मैं इस कंप्यूटर के साथ परस्परता को पहचान रहा, निर्वाह कर रहा हूँ। और हर जगह शून्य बना हुआ है। तो शून्य के अस्तित्व में ही हर इकाई हर दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस प्रकार हर इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो मैं अगर मैं और शरीर दोनों को जोड़ लूं तो इनमें भागीदार हूँ। एक मानव के रूप में मैं आपके साथ भागीदार हूँ, जो समाज है, मैं इस कंप्यूटर और ये सब जो बाकी चीजें पड़ी हुई है इन सबके साथ भागीदार हूँ। तो हर इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। और इसको आप जब भागीदारी को देखते चले जाएंगे तो दिखाई देगा कि हर इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदार है, पूरे अस्तित्व की व्यवस्था में भागीदार है। तो हर इकाई, हर अणु परमाणु अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है।
तो धरती का हर कण इस पूरे धरती की व्यवस्था में भाग जा रहे हैं, पूरी धरती इस पूरे सौर जो मंडल है, सोलर सिस्टम है, इसमें भागीदार है, जो पूरा सौर मंडल है, पूरे जितने गैलेक्सीज हैं उन सबके साथ भागीदार है, और इस तरह से पूरी अस्तित्व की व्यवस्था बनी हुई है। इन तीन बातों को एक साथ जोड़ें कि ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती, निर्वाह करती है, उसको कहा संपृक्त होना। तो इस पर ध्यान जाने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो अभ्यास है ना वो तो बाहर की चीजों को देखने का है। इनफैक्ट अगर आप ठीक से देखें तो हमारा ज्यादातर ध्यान तो बाहर की चीजों के भी पूर्णता में देखने का नहीं रहता अभ्यास, उसके भी एक हिस्से को हम अधिकतर समय इकाइयों का रूप देख रहे होते हैं। जैसे कोई सामने वस्तु पड़ी उसका रूप देखते हैं और ध्यान देते हैं तो उसका गुण दिखाई देता है, गुण मतलब जो परस्परता में उसका प्रभाव है वो दिखाई देता है। सामने में मोबाइल रखा हुआ उसका रूप दिखता है, मोबाइल को दबाते हैं तो उससे आवाज निकलने लगती है, उसका गुण समझ में आता है कि अच्छा इसमें गुण है, ये बटन दबाने से ऐसी आवाज निकली, वो बटन दबाने से ऐसा कुछ क्रिया होगा, सब गुण पकड़ में आता है। बट ये रूप और गुण तो सिंपली एक बाहर की ओर ध्यान देने से भी पकड़ में आ जाता है, उसके और समझने के जो मुद्दे हैं, उसका स्वभाव, उसका स्वत्व यानी इसको धर्म कहें, उसका संपृक्तता, ये सब समझने की बातें, इनको तो ध्यान देने में थोड़ा समय भी लगता है, तो मगर जितना जितना ध्यान देते हैं उतना स्पष्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने इकाइयों को ध्यान दिया है, अभी तो देखें तो हमारा ज्यादातर समय जो ध्यान था बाहर की जड़ इकाइयों पर था, वहां से समेट कर हमने मनुष्य पर ध्यान देना शुरू किया, मनुष्य में भी समेट कर हमने मैं की ओर ध्यान देना शुरू किया, मैं में भी जो सहज स्वीकृति है उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो इस पूरे ना जो ध्यान आकर्षण है इसमें काफी सारा समय लग जाता है। अब आपको दिखाई देगा कि ये जो शून्य है, ये जो हर जगह व्याप्त है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, इसको समझे बगैर मेरा ज्ञान पूरा नहीं होता, मेरा समाधान पूरा नहीं होता, तो इसको भी समझना है। कोर में आपको दिखाई देगा संपृक्तता है, जिसको समझे बगैर, जाने बगैर, अनुभव किए बगैर हमारा ज्ञान पूरा नहीं होता, उस पर ध्यान देते हैं। ये पूरा अस्तित्व जब मुझे सहअस्तित्व रूप में दिखाई देता है तो मेरा ज्ञान पूरा होता है, और दिखता है कि जो सहअस्तित्व है नित्य वर्तमान है, बना हुआ है, हर जगह बना हुआ है। अब अगर हम एक दृश्य में ही पूरे अस्तित्व को देखने जाएं तो ऐसा दिखाई देता है कि अस्तित्व मतलब सहअस्तित्व, यानी शून्य में संपृक्त इकाइयां, ये शून्य है, ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्रिया शून्य है, जो भी इकाइयां हैं वो आकार में सीमित हैं, अपने आप में क्रिया है, दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है, और हर इकाई स्वयं व्यवस्थित है, ऊर्जित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। पूरी प्रकृति को देखें तो उसमें मूलतः दो ही तरह की इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। चैतन्य मतलब मैं, मैं और आप चैतन्य इकाइयां हुए। जड़ इकाइयां अगर देखें तो जड़ इकाइयों में दो तरह की क्रियाएं दिखाई देती है, पहचानना और निर्वाह करना, और जितनी भी जड़ इकाइयां हैं इनके गठन में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सब टेम्पररी है। जो भी जड़ इकाई है उसके गठन में परिवर्तन होता रहता है, टेम्पररी है। जो चैतन्य इकाई से गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चैतन्य है, निरंतर बना रहता है, एक ही समान बना रहता है। तो है ना, ये मोबाइल पे आप एक हथौड़ा जो से मार दिए कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि जड़ है, टूट गया। शरीर में भी अगर आप देखें तो टूटना फूटना होता ही रहता है, हमारी हर कोशिका छह महीने बाद है ना बदल जाती है, टूट फूट जाती है, नया कोशिका आ जाता है, तो शरीर में भी हो रहा है। परंतु अगर अपने आप में देखें, मैं में देखें, तो ऐसा कोई टूटना फूटना नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि आशा टूट गई थी जुड़ गई या टूट के अलग हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। आशा विचार इच्छा एक साथ बने रहते हैं, जानने की क्षमता बनी हुई है, अधिक से अधिक उस क्रिया को हम और पुष्ट कर लेते हैं, क्रिया को क्रिया पूर्णता तक ले जा पाते हैं समझने के द्वारा। तो मैं में है ना गठन एक प्रकार से बना रहता है, निश्चित प्रकार से बनाता है, उसमें जानने मानने की क्रिया और उसके साथ पहचान निर्वाह करना हो रहा है। अगर जड़ इकाइयों को देखें तो दो अवस्थाओं में दिखाई देती है, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। तो पदार्थ अवस्था की जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु है, जो स्वयं में एक व्यवस्था हो, परमाणु से छोटे परमाणु अंश जाते हैं, स्वयं व्यवस्था को प्रस्तुत नहीं कर पाते, परमाणु स्वयं व्यवस्थित रहता है। परमाणुओं से मिलकर जो रचना बनती है उसको अणु कहा, अणुओं से जो मिलकर रचना बनती उसको अणु रचना कहा। अब अणु रचनाएं दो तरह से दिखाई देती है, एक तो पिंड के रूप में यानी जो आकार को बनाए रखते हैं, दूसरा रस के रूप में जिनका आकार बना नहीं रहता। जैसे बिल्डिंग हमने बनाई पिंड है, कंप्यूटर बनाया पिंड है,
टावर बनाया पिंड है, पहाड़ एक पिंड है, परंतु हवा पानी रस है ना जो बहते हैं, इन रसों से ही मिलकर प्राणकोशा बनी है जो प्राणावस्था की सबसे छोटी इकाई है। प्राणकोशाओं की एक तरह की रचना मिलकर तैयार होती है तो पेड़ पौधे बनते हैं, तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक तरह का है ना कंपोजिशन होता है, तो पेड़ पौधे बनते हैं। प्राणकोशा का एक दूसरे तरह का कंपोजिशन होता है, दूसरी तरह की रचना बनती है तो जीव शरीर बनते हैं, एक और प्रकार की रचना बनती है तो मानव शरीर बनता है। जो मैं है चैतन्य का यही है, जब जीव के साथ सहस्तित्व पूर्वक निर्वाह कर रहा होता है तो जीवावस्था बनती है। तो अगर आप पशु पक्षियों को देखें, शेर चीता हिरण हाथी इन सबको देखें, तो इसमें मैं भी है शरीर भी है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं में जानने की क्षमता नहीं है, सिर्फ मानने से काम चल रहा है, मानने के साथ पहचान निर्वाह करना हो रहा है, शरीर है और मैं है, यहाँ मैं तो है ही दिखता है, ये मैं पेड़ पौधों में नहीं, पेड़ पौधों में मानने की क्रिया नहीं दिखती, यहाँ दिखाई देता है, जीवों में दिखाई देता है, जीवों में शरीर का एक भाग भी दिखाई देता है जो मैं के साथ सहअस्तित्व कर सकता है, उसको ब्रेन का, यहाँ पे ऐसी कोई इकाई नहीं दिखाई देती पेड़ पौधों में। यहाँ जीव अवस्था में देखें तो मैं भी हूँ शरीर, मैं भी है शरीर भी है, उन दोनों के सहअस्तित्व के साथ जीव है। मनुष्यों की बात करें तो उसमें जानने की क्षमता है, मानना पहचान निर्वाह करना हो रहा है, ये ऐसी मैं एक चेतन इकाई है। ये जब मानव शरीर के साथ कोएग्जिस्ट करती है तो उसको ज्ञानावस्था का, हम सभी पहले से ही ज्ञानावस्था में है। अभी जो करने का काम है ये है कि हमें ज्ञान पूरा हो जाए, ज्ञान हमारी मौलिकता है समझ के अभाव में, यानी कि जब हमको अगर शिक्षा से ये बात ना मिले तो हम अभी अन्यत्र बहुत सारा मेहनत कर रहे होते हैं, हम अगर वही ध्यान ज्ञान पे दे दें, समझने पे दे दें, तो उससे हम सुखी हो पाते हैं, हमारा आचरण निश्चित हो पाता है। तो जो ज्ञानावस्था इकाई है नहीं मनुष्य, इसमें ज्ञान हो जाए, समाधान हो जाए, तो उससे मनुष्य का आचरण निश्चित हो जाता है। यही कुल करने काम है। अगर इस पूरे अस्तित्व को देखें तो बाकी सब कुछ पहले से ही व्यवस्था में है ना? आप देखिए इतनी बड़ी धरती, इतने ग्रह गोल, इतने नक्षत्र, इतने तारे, ये सब पहले से ही व्यवस्था में है। फिर चैतन्य मानव में भी शरीर पहले से ही व्यवस्था में है, मुझ में भी व्यवस्था की सहज स्वीकृति पहले से ही है, मैं में सिर्फ करने काम इतना है कि जो मेरी सहज स्वीकृति है उस पर ध्यान देना है। मजे की बात है इसमें कोई अलग से पैसा भी नहीं खर्च होना है, सुविधा भी नहीं खर्च होनी है, सिर्फ ध्यान देना है। हमको ये प्रायोरिटी दिख जाए कि अल्टीमेटली यहीं से सारा सुख होने वाला है, यहीं से समाधान होने वाला है ध्यान से, तो जो बाहर हम बहुत सारा सुख ढूंढते रहे उसके बजाय हम स्वयं में ध्यान दे पाते हैं, अपने अंदर ज्ञान के लिए काम कर पाते हैं। इस ज्ञान को जब मैं अपने आप में पूरा कर पाता हूँ, मैं सुखी हो पाता हूँ, दूसरे को सुखी कर पाता हूँ, मेरा आचरण निश्चित हो पाता है। उसमें अभी आपको ये भी दिखाई देगा कि जो बाकी सब कुछ है इस पूरी प्रकृति में, यहाँ पे एक चक्रियता है, एक चक्र है, जैसे मिट्टी से पेड़ पौधे पनपे, पेड़ पौधे वापस मिट्टी में चले गए, चक्रियता है। जीव का शरीर हुआ, मानव का शरीर हुआ, हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल गया, उसी मिट्टी से फिर पेड़ पौधे निकले, खाए पिए, मानव का शरीर तैयार हो गया, ठीक। वैसे जीव का शरीर है, वापस मिट्टी में गया, मिट्टी से जीव शरीर बना, पेड़ पौधे हैं, यहाँ एक चक्रियता दिखाई देती है। इसलिए इस दायरे में कुछ भी काम करेंगे उसमें कोई विकास नहीं होगा। तो विकास को भी हम मुख्य रूप से यहीं पे लगे रहते हैं कि हमारे देश में अच्छे से अच्छी बिल्डिंग बन जाए, अच्छे से रोड्स बन जाए, टावर्स बन जाए, रेस्टोरेंट बन जाए, है ना, ये हो जाए, वो हो जाए, मॉल्स बन जाए, अब हम इसको विकास मान रहे हैं। अपने आप में कोई विकास नहीं है, ये विकास के साधन तो हो सकते हैं, इसमें विकास कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें चक्रियता है। आज हम इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दें, कल को एक मेजर भूकंप आ जाए, रिक्टर स्केल पे 8-9 का भूकंप आ जाए, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, वापस जहां थे वहीं से चले गए, तो इसमें चक्रियता है, कोई विकास नहीं है। विकास यहाँ पे, ये विकास है, क्योंकि ये एक लीनियर प्रोसेस है, एक दिशा में होने वाला काम है। एक बार हमने कोई बात समझ ली, उसको हम वापस भूल नहीं सकते, भूल गए नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, जो चीज हमने जान ली उसको कभी भूल ही नहीं सकते, कभी वापस हम पुराने स्थिति में जा ही नहीं सकते। जैसे हमको एक बार विश्वास का भाव हो जाए हमारे अंदर, हमको दिख जाए कि चाहना तो हर मनुष्य का सही है, उसको ना तो भूल सकते हैं ना उसको याद रखने की जरूरत है, वो अपने आप ही दिखता रहता है, हर क्षण दिखता रहता है, हर संबंध में दिखता रहता है। एक बार मुझे ये दिख जाए कि मैं शरीर मात्र नहीं हूँ, एक चैतन्य इकाई हूँ जो शरीर के साथ हूँ, ये शरीर भी नहीं हूँ।
मोहित भैया थोड़ा कंटिन्यू करिएगा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जी जितेंद्र भैया आप हैं क्या? जितेंद्र भैया जितेंद्र तो नहीं है, बताइए क्या क्या सिचुएशन है। कुमार भैया 1-2 मिनट में आ रहे हैं, मुझे लगता है वॉशरूम शायद गए हैं और हाँ। और तब तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो राजुल भैया भी हैं और हम लोग भी हैं, मोहित भैया भी हैं। जी धीरेन जी भी हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो स्पेस है और टाइम है उसकी बात करते हो, यहाँ शून्य की बात करते, सब गड्ढमड्ड हो गया वैसे जैसे एक ने ट्यूशन आज पढ़ाई हुई, एक ने ट्यूशन पहले पढ़ाई थी, अब पहले का ऑलरेडी भरा हुआ है पेन ड्राइव में, वो निकलेगा जब तक ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि शून्य जो है वो स्पेस में हम ले जाते हैं और स्पेस हमने टाइम स्पेस जो पढ़ा है वो वहां बार बार जान जा रहा है। दूसरी चीज आपने यहाँ मटेरियल लिखा हुआ है और यहाँ चैतन्य लिखा हुआ है, फिर मटेरियल को फिर डिवाइड किया आपने जड़ावस्था और प्राणावस्था, तो मटेरियल को जब आप प्राणावस्था में फिर से ले आए हैं भले साइक्लिक हो, परंतु इतने जल्दी आप जड़ की अवस्था ही क्यों बढ़ाइए ना पदार्थ अवस्था के रूप में, इस अवस्था को कॉन्शियस या चिंतन अवस्था में ले जाना चाहिए अपन को प्राणावस्था को। देखिए इसमें सब कुछ को सीधा सीधा स्वयं के आधार पर देखने की बात है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा देख लें, अगर कुछ और है तो वैसा देख लें, मानने की बात नहीं है। एक नंबर, दूसरा यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं, और दूसरा अभी जो वर्ल्ड व्यू है, जो दृष्टि है, उसमें अस्तित्व जो है वो जड़ बराबर है, अस्तित्व में और कोई चीज़ की बात ही नहीं करते हैं, और जो भी क्रियाएं दिखती हैं उसको भी जड़ क्रियाएं ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव जो है वो शरीर है, मटेरियल है, तो इस तरह का जो व्यू है अगर वो ठीक है, अगर वो हमको दिखता है उस तरह से तो हम वैसा जी रहे हैं, अगर हमको ऐसा दिखता है तो हम ऐसा जिएंगे, तो अभी तो सीधा सीधा देखने की बात है, तो ये एक प्रस्ताव है और हम लोग किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये तो हमको अपनी सूक्ष्मता बढ़ाते बढ़ाते स्वयं देखने की आवश्यकता है। नहीं नहीं आपने मेहनत की है और प्रेजेंट किया है तो निश्चित तौर पर उसका उसका एक अपना एक अस्तित्व है और उसका एक निश्चित तौर पर एक हमें उसको समझने का तरीका होने ही चाहिए। हमारा मतलब जैसे आपने बोला जड़ है और गति है, ये फिर यहाँ विरोधाभास की बात आ गई। एक बार अगर फिर से रख दें संक्षेप में भैया इसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल करिए। जी 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 कुमार जी मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, रिलेटिविटी का टाइम स्पेस को लेकर यहाँ सून स्पेस आपने दिया तो वहां की बात को बाहर निकाल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ की बात को अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, एक चीज। दूसरी चीज आपने मटेरियल लिखा और मटेरियल इकाई को ले गए आप मटेरियल तक, और मटेरियल से आप पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था लाए, और प्राणावस्था में फिर क्यों लिया जब आप चेतन ऑलरेडी आपके पास है या सून इसको आप बढ़ा रहे हैं, तो इसको इसी साइड लाइए ना, पदार्थ अवस्था जड़ अवस्था की ओर चली गई और प्राणावस्था फिर चेतन अवस्था की ओर चली गई, तो इसको जड़ अवस्था को 2 भागों में ना करके 1 भाग में करें और इसको सीधा इस तरफ ले आए, मेरा ऐसा मानना। जी उसको मैंने पहले भी रिस्पॉन्ड किया था कि अगर पेड़ पौधों को देखें ना तो उसे मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती, यहाँ चैतन्यता नहीं है, पदार्थ अवस्था में चैतन्यता नहीं है इसलिए इनको जड़ में रखा है। जीवों को देखें तो उनके शरीर में भी चैतन्यता नहीं है, अपने शरीर में देखें तो चैतन्यता नहीं है, जब मैं के साथ जुड़ गया सहअस्तित्व तो बना तब हम यहाँ पे है ना इस तरह एक जीव अवस्था के रूप में या ज्ञान अवस्था में इनको देख पाते हैं। तो अगर इकाई के रूप में देखें तो 2 ही तरह की इकाई है, जड़ इकाई और चैतन्य इकाई, जड़ और चैतन्य के सहअस्तित्व से जीव अवस्था या ज्ञान अवस्था बना, जड़ में अपने आप में कोई चैतन्यता नहीं है, मानने की क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक समझा जा सकता है। जैसे हमको इनमें दिखाया था पदार्थ में दिखाया था कि इसे मानने की क्रिया नहीं है, वैसे पेड़ पौधों में दिखाया था इसे मानने की कोई क्रिया नहीं है,
उसको प्रयोग पूर्वक भी देख सकते हैं, सीधे सीधे भी देख के समझ सकते हैं, अपने बारे में देखते हैं तो दिखता है। इनफैक्ट इसमें मूल बात क्या है ना कि जब मैं इस मैं को ठीक ठीक समझ पाता हूँ तभी मुझे मानव समझ में आता है, तभी प्रकृति की बाकी तीन अवस्थाएं भी समझ में आती है। मैं को समझने के आधार पर चैतन्य समझ में आता है कि चैतन्य क्या होता है, और उससे मैं जड़ को भी पहचान पाता हूँ, जड़ को भी समझ पाता हूँ। जो आपने पहली बात कही ना रिलेटिविटी, तो अभी उसमें किस तरह का आपको विरोधाभास हो रहा है, अगर आप उसे संक्षेप में रखें तो मैं बता सकता हूँ, बट उसको थोड़ा संक्षेप में करेंगे। मैं स्पेस को लेकर, स्पेस को लेकर आपने शून्य भी लिखा और स्पेस भी लिखा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता था, क्योंकि पहले जैसे अपन को ईथर माना स्पेस के लिए, फिर उसको ईथर को भी हटा दिया आगे चल के, नहीं ईथर भी नहीं है वो, नथिंग इज एल्डर, ठीक वो शून्य हो गया, पर शून्य को आपने पूरा एक व्यापक रूप दे दिया। मेरा मतलब ये था कि शून्य मतलब वो चीज है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी रुकिए, अभी हम अपने आप से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसे तो विज्ञान भी नहीं कह रहा कि अस्तित्व ही नहीं है, स्पेस को तो वो भी रिकॉग्नाइज कर ही रहा है, लेकिन नहीं होना और क्रिया नहीं होना दोनों में अंतर है। स्पेस में क्रिया नहीं है इतनी बात कही जा रही है, स्पेस तो है ही, स्पेस में एक्टिविटी नहीं है, स्पेस तो है ही, ये तो विज्ञान भी कह रहा है जो प्रचलित विज्ञान है कि एक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं है, है ना, एक्टिविटी जो है वो फिजियोकेमिकल चीजों में देख रहा है, प्रचलित विज्ञान में कॉन्शस यूनिट को चैतन्य इकाई को नहीं देख पा रहे। इसलिए अभी क्या हो रहा है ना कि जब तक आप चैतन्यता का अध्ययन नहीं करते हैं तो जड़ता का भी अध्ययन पूरा नहीं हो पाता और जो नित्य है जो व्यापक है उसका भी अध्ययन नहीं हो पाता। इसलिए जो विधि बनती है वो ये बनती है कि अपने ओर ध्यान देना शुरू करें तो हमको अपने बारे में समझ बनती है। जब अपने बारे में समझ बनती है तो ये जो अपने को समझे बगैर हमने बहुत सारी मान्यताएं अपने बारे में बना ली है उससे उबर पाते हैं तो हम बाकी चीजों को भी ठीक ठीक देख पाते हैं। ये जो हमने अपने बारे में बहुत सारी मान्यताएं बना ली है ना उसके कारण हम बाकी चीजों को भी उसी मान्यता के साथ देखते हैं। देखिए विज्ञान का तो बहुत लिमिटेशन है, विज्ञान उसको अप्रिशिएट भी करता है और उसको स्वीकार भी करता है कि भाई हम जो अध्ययन करते हैं हम सीधा सीधा नहीं देखते हैं, हम यंत्रों के माध्यम से कुछ प्रयोग करते हैं, उसमें हम एक वस्तु के दूसरे वस्तु के ऊपर प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं और उसे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष भी वो यंत्र नहीं देते, निष्कर्ष तो मनुष्य ही निकालता है, और जो निष्कर्ष मनुष्य निकालता है वो निष्कर्ष उसके पुराने अपने जो संस्मरण होते हैं उस पर आधारित होता है। इसलिए आप देखिए कि निष्कर्ष बदलते रहते हैं, हर 100 साल में निष्कर्ष कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि निष्कर्ष कैसे निकलते हैं तो लॉजिक में देखें तो तीन तरह की चीजें होती हैं, एक तो मूलभूत मान्यता होती है, दूसरा एक तर्क होता है, तीसरा निष्कर्ष होता है। तो मूलभूत मान्यता पे तो विज्ञान कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि चैतन्य में बना हुआ किसी रूप में, जो उसमें तर्क जोड़ते हैं उस पर भी काम नहीं कर सकता, इन दोनों को साथ में मिलाकर हम एक निष्कर्ष देते हैं। इतना ही बस होता है कि हमारा यंत्र के माध्यम से एक्सपोजर बढ़ता है तो नए निष्कर्ष देते हैं। पहले न्यूटोनियन फिजिक्स था, फिर उसके बाद उसमें रिलेटिविटी आ गई, फिर हिजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी दे दिया तो उसमें अनसर्टेनिटी भी जुड़ गया। अब आज की स्थिति यह है कि पूरे विज्ञान में ये बात स्वीकार लिया गया है कि विज्ञान जब भी अध्ययन करेगा उसमें अनसर्टेनिटी भी रहेगी, क्योस भी रहेगा। तो लोगों ने किसी रूप में भले ही विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं परंतु वैज्ञानिक विधि से हम कहीं पहुंच पाएंगे ये कोई नहीं कहता, तो उन्होंने मान ही लिया है कि जब भी यंत्र के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे उसमें अनसर्टेनिटी भी होगी और थोड़ी सी भी अगर आपने मेजरमेंट में चूक की तो क्योस भी आएगा निष्कर्षों में, ये तो एक्सेप्ट कर ले। इसलिए आप देखिए तो पिछले 50 सालों में विज्ञान में कोई मौलिक बहुत काम नहीं हुआ है और उन्होंने इसकी सीमा को स्वीकार लिया है। तकनीकी पे काम हो रहा है कि भाई विज्ञान पे जितना भी खर्च करो उससे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है, तकनीकी पे काम करो, उससे यंत्र बनेंगे है ना, उससे सुविधाएं बनेंगी जो हमारे काम आएगा। ठीक है सर जी, थैंक यू बिल्कुल। तो ये दिखाई देगा कि पूरे अस्तित्व में बाकी सब कुछ पहले से ही व्यवस्था में है, इसे मुझे व्यवस्थित होना है, केवल यही भाग शेष है। समाज में भी देखिए तो समाज में जो व्यवस्था बननी है या जो व्यवस्था सुनिश्चित होना वो मैं के अंदर है, हर मनुष्य के मैं में है, और ये दूसरे मैं में व्यवस्था तभी बनेगी जब मुझे व्यवस्था की समझ होगी। तो अपने को दिखाई देता है कि मुझे समझना है, मेरे समझने से ही मैं सुखी हो पाता हूँ, तब मैं दूसरों के सुख में समझ में ज्ञान में भागीदार हो पाता हूँ, और ये विधि के रूप में दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है कि हर व्यक्ति पहले से ही इस बात को स्वीकारे हुए है कि उसको ज्ञान समाधान पूर्वक ही है ना, मतलब उसको ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, क्योंकि तो सहज स्वीकृति है ही हर एक व्यक्ति के अंदर, उसको ध्यान आकर्षण कराने की जरूरत है।
तो अगर सार संक्षेप में देखें इस पूरी बात को, तो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, नित्य है। अस्तित्व बराबर सहअस्तित्व बराबर शून्य में संपृक्त इकाइयां। अस्तित्व में प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से संबंधित है तथा परस्पर पूरक है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, व्यवस्था तथा संबंध प्रकृति में है ही, हमें इसे बनाना नहीं है। मनुष्य को जो करने का काम बस इतना ही है कि सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध इनको समझ ले और सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध को जी ले। अच्छी बात है कि इसके लिए अस्तित्व में पहले से ही प्राविधान है, तो हमको बस समझना है और उसके अनुसार जीना है ना। प्रावधान अस्तित्व में पहले से ही बना हुआ है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा देखना है, समझना है। तो जड़ को जड़ की तरह देख के समझ लेना है, चैतन्य को चैतन्य की तरह देख के समझ लेना है, इन दोनों के अस्तित्व को समझ लेना है और शून्य को शून्य की तरह देख के समझ लेना है। तो तीन ही तरह की वास्तविकता है, शून्य है, जड़ है, चैतन्य है। इन तीनों को जैसा वैसा समझ लेना है, यही कुल करने का काम है। इसकी बस हमारे लिए एक प्रायोरिटी बन जाए जी। इतने पे कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं जी। शून्य, विष्णु जी ने कहा शून्य मतलब क्रिया शून्य, जो हर जगह व्याप्त है। आप वर्कशॉप में आएंगे तो इसमें विस्तार से बात करेंगे, अभी तो हम लोग थोड़ा इसको बस एक परिचय दे रहे हैं इस कंटेंट के बारे में। जी दीप्ति जी कुछ कह रही है। इस शून्य को हम देख नहीं पाएंगे क्या? देख सकते हैं, बट जब जिसको देखना कहते हैं ना कि आंखों से रूप का आस्वादन करना, वो नहीं कर पाएंगे। वो तो चैतन्य का भी नहीं कर पाते हैं। अभी मैं को भी हम आंखों से रूप का आस्वादन कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब ये है। जिस तरह से हवा हवा को हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। ठीक से रखा जाए तो देख सकते हैं, परंतु जो रूप का आस्वादन करते हैं आंखों से वो नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि अस्तित्व जो व्यापक है अरूप है वो। जी दीप्ति जी। जी कुमार भैया, जैसे कि बात हो रही है कि प्रकृति जो है यूनिट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने डिवाइड किया है कि वो मटेरियलिस्टिक भी है, और जो अगर हम जब बॉडी की बात करते हैं सिर्फ स्वयं की मनुष्य की, तो फिर वो चैतन्य है। तो यहाँ पे सेल्फ की बात, जी सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्शियस है। अगर बॉडी अलग से है तो फिर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ नीचे मटेरियल में नीचे आते हैं हम चार्ट के अकॉर्डिंग, तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। तो प्राण अवस्था को जब अपन ने डिफाइन किया है कि प्राण कोशा, ठीक है ना, और यहाँ हम उसको रस से ले रहे हैं, तो क्या मैं समझ पा रही हूँ रस यही है क्या कि वायु, जल, अग्नि और धरती और आकाश? भाई अब आकाश को हटा दीजिए, है ना, क्योंकि आकाश को शून्य है। अच्छा, आकाश को ना रस में देखें तो ये ठीक है, इतना कहना कि जल है, वायु है ना, इनको तो रस में रखेंगे। बाकी जो द्रव होते हैं ना, जैसे पानी है जी, मतलब पानी से निर्मित जो बहुत सारा पदार्थ होता है, मतलब जल, अग्नि और वायु, अगर इन तीन की बात करें तो दे आर इंक्लूडेड इन प्राण कोशा, राइट? फिर से कहिए, अग्नि, जल और वायु। अग्नि, जल और वायु, है ना, क्योंकि इन इनसे ही पेड़ पौधे जीवित हैं और जीव शरीर और मानव शरीर जीवित है। ठीक ठीक, थैंक यू। अग्नि को भी ठीक से समझने की जरूरत है, अभी जिसको अग्नि कह रहे हैं, है ना, और जो अग्नि है, इन दोनों में क्या अंतर है या समानता है, समझना होगा। आगे चलते हैं, ये बात हमको पूरे समझ में आ जाए ना, कैसे आएगा, जब ये जो ऊपर का जो हमारा पोटेंशियल है समझने का, इसको हम पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू कुमार भैया, प्लीज शून्य के बारे में एक बार पुनः बताइए ना जी। शून्य के विषय में आपको कुछ बताएंगे, प्लीज एक बार पुनः बताइए। शून्य के बारे में, शून्य के बारे में जितनी बात लिखी थी ना, नहीं है अभी, थोड़ा सा हायर लेवल वर्कशॉप में आएंगे तो और बात करेंगे, है ना। इस पे हम लोग पूरा एक 8 दिन का वर्कशॉप करते हैं, जब हम लोग पूरे अस्तित्व पे ही बात करते हैं, जितने भी तरह के अपने अंदर संशय, प्रश्न, द्वंद्व हो सकते हैं, उन सब पे बात हो जाती है। अभी थोड़ा लिमिटेड समय है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे इस पे, परंतु अगर कोई संक्षेप में आपका प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई अगर प्रश्न बनता अभी तुरंत तो बताइए। एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई थी, और मुझे सुनना था जब आप शून्य का विश्लेषण कर रहे थे, तो
कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। कोई ठीक है, तो पूरा सहस्तित्व जैसा है वैसा मुझे दिख जाए, इसको अनुभव कहा। अस्तित्व सहस्तित्व है ऐसा मुझे दिख जाए, इसको अनुभव कहा। इस अनुभव के आधार पर प्रकृति की चारों अवस्था में व्यवस्था किस प्रकार से है ये मुझे समझ में आ जाता है, इसको बोध कहा। इस अनुभव और बोध के आधार पर जो कल्पनाशीलता है ये व्यवस्थित हो जाती है पूरी तरह से, जिसको हम लोग पहले दिन से बात करें, दूसरे दिन से बात करें ना, उस समय समझ का पूर्ण होने का मतलब क्या है, अनुभव होना, बोध होना। उसके बाद मेरी इच्छा विचार आशा में एक निरंतरता में लय बना रहता, सामंजस्य बना रहता है। तो जैसी मेरी चाहना है और जैसा मेरा जीना है दोनों एक हो जाते हैं। जो हम लोग डे वन पे बात कर रहे थे कि जैसा मैं हूँ और जैसा मेरा होना सहज से स्वीकार है, इन दोनों में भी अंतर है, यही सारी समस्या है, ये दोनों एक हो जाते हैं। तो मैं अपने पूरे पोटेंशियल को यहाँ पे यूटिलाइज कर पाता हूँ जब मेरे अंदर अनुभव की अनुभव क्रिया घटित होती है, बोध पूरा होता है, तो है ना, मेरे अंदर समझ की पूर्णता हो जाती है, उससे मेरी पूरी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। ये गंतव्य है हमारा, यहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, इससे मैं निरंतर सुख में बना रहता हूँ। ठीक है, इस पर आपके विचार भी हमने पूछ लिए, तो बात आगे लेके चलते हैं और पूरी बात को एक बार समाप्त करते हैं, फिर जितना समय शेष रहेगा उसमें हम लोग और बातें करेंगे। पहले की स्लाइड में ये ठीक है, ओके। सुरभि जी ने हैंड रेज किया है, जी बताएं। बस एक छोटा सा प्रश्न आ रहा था दिमाग में, जो हम अभी जड़ और चैतन्य की बात कर रहे हैं, तो हम जो ये साकार और निराकार जो वर्ड यूज करते हैं ये उसी से रिलेट कर सकते हैं? जो निराकार कह रहे हैं वो शून्य को कह रहे हैं। अच्छा, जो जड़ और चैतन्य दोनों है, दोनों साकार हैं, जो मैंने कहा ना आकार में सीमित, तो चैतन्य भी आकार में सीमित है, जड़ भी आकार में सीमित है जी। लेकिन अब अगर हम निराकार की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसमें मैं भी आ जाता है। भाई वैसा कहते हैं तो फिर वो थोड़ा अलग दिशा में जाता है ना, फिर अभी तो जिसको हम देखना कहते हैं ना वो तो आंखों में रूप के आस्वादन को देखना कहते हैं, वो तो देखना है भी नहीं, वो तो आस्वादन है। अच्छा, वो तो आशा के साथ घटित होने वाली क्रिया है। जी जी, तो जो हम जैसे हम ये डिजायर और थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे संवेदनाओं और इन सब से आ रहे हैं, इसलिए इसको हम निराकार में नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? निराकार में नहीं लेके जा रहे हैं, जो साकार है उसमें भी ठीक से लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी चैतन्य है वो भी साकार है, वो तो इस विधि से दिखेगा नहीं संवेदनाओं के माध्यम से, है ना। और जो संवेदनाओं के माध्यम से हमको जड़ भी चीजें दिखती है ना, वो पूरी नहीं दिखती। जैसे आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने का हिस्सा आप देख पाते, पीछे का हिस्सा तो नहीं देख पाते हैं जी। तो जो रूप का आस्वादन होता है वो भी आंशिक होता है जी। गुण के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं विचार पूर्वक, और उसके जो आगे की चीजें हैं, उसका जो स्वत्व है, उसका जो है ना स्वभाव धर्म परंधर्म है, ये चीजें तो हम अपने आप में समझ ही नहीं पाते। तो अभी तो हम जड़ को भी नहीं समझ पाते, चैतन्य को भी नहीं समझ पाते और शून्य को भी नहीं समझ पाते, अभी इन तीनों के बारे में कुछ अनुमान बना के जीते रहते हैं। मतलब हम वो जो मैं वाला है वो हम दोनों पार्ट में नहीं रख पा रहे, ऐसा कुछ समझना चाहिए शायद। मैं जो है, मैं को हम ना पूरी तरह से साकार में ले सकते हैं और ना निराकार में ले सकते हैं, निराकार में तो ले ही नहीं सकते जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा उसको थोड़ा ध्यान सुन ले, मैं को तो मैं साकार ही कह रहा हूँ, मैं साकार है शून्य निराकार है ऐसा कह रहा हूँ जी। हाँ बस सिर्फ देखने महसूस करना और देखने वाली अलग अलग दो बातें, अगर हम साकार में ही दो को देखें जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साकार साकार निराकार निराकार है, आप देख पाए ना देख पाए दोनों अलग बातें हैं। तो अभी साकार को साकार के रूप में देख ले, निराकार को निराकार के रूप में देख ले, अभी इसको मिक्सअप ना करें जी, थोड़ा आराम से चलते हैं अभी। क्या है ये जो अभी तो हमारा ध्यान देने का जो अभ्यास है ना बाहर की चीजों पे है, इसलिए अभी इतनी बड़ी बातों को लेकर चलते हैं ना तो थोड़ा अभी इसमें कंफ्यूजन होता है, बट ठीक है कम से कम ने ध्यान देना शुरू किया। देखिए एक बार संपूर्णता में प्रस्ताव का आना जरूरी है, एक बार प्रस्ताव हमारे सामने आ जाए फिर उसके एक भाग पे विचार करेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे। उन्होंने सार्वभौमिक मूल्यों की बात की थी, मूल्य का मतलब क्या हुआ, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। किसी भी इकाई का अगर देखें तो मूल्य है, और मूल्य किस रूप में, उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, जैसे कलम है
कलम का मूल्य क्या है, वो लिखने में उसकी भागीदारी होती है, शिक्षा में भागीदारी होती है। पानी है, पानी से प्यास बुझता है, स्वास्थ्य में भागीदारी है। वैसे अगर अपनी ओर ध्यान दें तो मेरी जो क्रियाएं इच्छा विचार आशा उनकी भागीदारी क्या है कि स्वयं में व्यवस्था में कितनी भागीदार हो पा रही है। मेरी इच्छाएं मेरे निरंतर सुख में भागीदार हो पा रही है या मेरी इच्छाएं मुझे दुखी कर रही है। मेरा विचार मेरे निरंतर सुख में भागीदार हो पा रहा है या मेरा विचार मुझे दुखी कर रहा है। तो अपनी क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं कि ये है ना मुझ में ये क्रियाएं किस प्रकार भागीदार हैं मेरे स्वयं की व्यवस्था में, मेरे निरंतर सुख में। वैसे शरीर को देखें तो शरीर का मूल्य एक मानव रूप में आपकी व्यवस्था में भागीदारी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शरीर की एक भागीदारी है, मुंह से आवाज निकल रही है तब तो बोल पा रहा हूँ, अगर गला बैठ जाए तो नहीं बोल पाएंगे। परिवार में जो आपका मूल्य है वो परिवार की व्यवस्था आपकी भागीदारी है। तो आपके परिवार में होने से परिवार में कितनी व्यवस्था बनी ये आपकी मूल्य को तय करता है। आपके होने से परिवार में सुख बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, समृद्धि सुनिश्चित हो रही है, सुख सुनिश्चित हो रहा है या फिर कुछ अन्यथा हो रहा है। वैसे समाज में आपका जो मूल्य है वो समाज की व्यवस्था में आपकी भागीदारी है। प्रकृति में आपका जो मूल्य है वो प्रकृति की व्यवस्था में आपकी भागीदारी है। और सहअस्तित्व में देखें तो आपकी जो भागीदारी हुआ आपका सहअस्तित्व में मूल्य हुआ, अस्तित्व में मूल्य हुआ। इस पूरे कार्यशाला में देखें तो हमने मानव के सार्वभौमिक मूल्य को समझने का प्रयास किया, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनको समझने का प्रयास किया। और उसको अगर एक स्लाइड में रखें तो ऐसा दिखता है, अगर पूरी बात को समाप्त करें तो ऐसा दिखता है कि ये भिन्न भिन्न स्तरों पर हमने बात किया। हमने स्वयं माया के बारे में बात किया, मानव के बारे में बात किया, है ना, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व, इन सब पे बात किया। तो यदि हम इनकी व्यवस्था और संबंध को देखें दिखता है कि पूरी अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। अगर फिर डिटेल आउट करें हम थोड़ा तो दिखता है कि मानव में सहअस्तित्व को अनुभव करने की क्षमता है, पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। प्रकृति को देखें तो इसमें परस्पर पूरकता दिखाई देती है, इसमें व्यवस्था संबंध दिखाई देता है। और मानव में व्यवस्था में जीने की, व्यवस्था पूर्वक रहने की क्षमता दिखाई देती है। इस समाज में जो लक्ष्यों की हमने बात की, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, अगर इसको देखें तो सहअस्तित्व का ही प्रमाण है ये। जो प्रकृति में परस्पर पूरकता है ये भी सहअस्तित्व का ही प्रमाण है। तो अगर समाज में हम समाधान की बात करें, समाधान भी कैसे पूरा होगा, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कैसे पूरा होगा, सहअस्तित्व के अनुभव के द्वारा। समृद्धि का मतलब क्या हुआ, जो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है उसको हम ठीक ठीक निर्वाह कर पाए। अभय का मतलब क्या हुआ, मानव की जो सहअस्तित्व है वो बना रहे और सहअस्तित्व बना ही रहे। तो मानव संबंध को हमने समझने का प्रयास किया, मानव शेष प्रकृति के संबंध को समझने का प्रयास किया। और ये दिखता है कि मानव में स्वयं तथा परिवार के रूप में समाज के विभिन्न आयामों में भागीदारी करने की क्षमता है ही, उसको बस ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में अगर बात करें तो जितने भी भावों की हमने बात की, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम तक, ये सब सहअस्तित्व के ही भाव हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं दूसरे को सुखी करना चाह रहा हूँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाह रहा है, मेरे उसके बीच में सहअस्तित्व है। सम्मान में जब कह रहे हैं कि मैं एक दूसरे के लिए पूरक हूँ तो ये सहअस्तित्व का ही रिफ्लेक्शन है। प्रेम मतलब हर एक के साथ सहअस्तित्व को देख पा रहे हैं। तो उन्होंने मानव संबंध की बात की और मानव में सही भाव को समझने की क्षमता है ये दिखता है अपने को, इससे उभय सुख होता है। वैसे मानव के रूप में देखें तो स्वयं यानी मैं तथा शरीर का सहअस्तित्व है और संयम भाव को हम लोग समझने का प्रयास किया और इस भाव को समझने की क्षमता भी मैं में है ही। और यदि मैं की बात करें तो उसमें ये भाव दिखाई देते हैं ना, जिसको निरंतर सुख कह रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है अगर देखें तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये चार भाव हैं जिनको मिलाकर निरंतर सुख कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल आउट कर देते हैं तो सुख का मतलब कि मेरी आशा निश्चित हो जाए, इसको सुख कहा। विचार का मतलब, शांति का मतलब विचार निश्चित हो जाए, विचार में अंतर, द्वंद, अंतर, विरोध चला जाए। संतोष का मतलब कि इच्छा निश्चित हो जाए, संतोष है। और आनंद का मतलब कि अनुभव बोध हो जाए, ये आनंद है। तो आनंद अगर जिसे हम देखें ना, जिसका हम लोग प्रयोग करते रहे हैं, तो आनंद का मतलब भी क्या हुआ कि हमारा ज्ञान पूरा हो जाए जिससे हमारे आनंद घटित हो जाए। जब मेरे अंदर आनंद घटित होगा तो मेरी इच्छाएं निश्चित होंगी, फिर मेरी इच्छाएं अनिश्चित नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं कि किसी की सुविधा को देखकर मेरी इच्छा बन जाएगी, कोई सूचना पाकर मेरी कोई इच्छा बन जाएगी, किसी बात से प्रभावित होकर कोई इच्छा बन जाएगी, संवेदना के दबाव में कोई इच्छा बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर संतोष का भाव होता है, यानी दिखता है कि पर्याप्त है ना, तो मेरी इच्छाएं निश्चित हो पाती है, संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, सहअस्तित्व के अर्थ में। जब ऐसा होता है तो मेरे विचारों में शांति होती है, अंतर द्वंद, अंतर विरोध, ये सब चला जाता है और उससे मेरे जीने में सुख बना रहता है। इन चारों को मिलाकर निरंतर सुख।
तो अगर शांति संतोष आनंद नहीं है तो जो सुख मिलता है क्षणिक रहता है, ये हो जाए तो जो सुख मिलता निरंतर रहता है। तो निरंतर सुख से जीने की इच्छा है और इसको पूरा करने की क्षमता भी हम सब में है, जो सही समझ सही भाव सही विचार पूर्वक जब हम व्यवहार करते हैं कार्य करते हैं तो उससे पूरा होता है। तो जिन सार्वभौम मूल्यों की हम बात करते रहे वो ये मूल्य है ना जिसको हम लोग बात करते रहे, अगर एक स्लाइड में देखा जाता इस प्रकार से। और हमको करने काम यह कि मूलतः अस्तित्व का अनुभव करना है जिससे सारे भाव हमारे अंदर स्थापित हो पाए। तो मानव के लिए कार्यक्रम क्या निकलता है जी, कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये सर चारों बताए थे ना, सुख शांति संतोष आनंद, थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिए। तो आनंद मतलब अनुभव हो जाना, अनुभव के आधार पर बोध हो जाना, इसको आनंद कहा। जब बोध हो जाता है तो बोध के आधार पर जो इच्छा है वो निश्चित हो जाती है, ये संतोष है। निश्चित इच्छा से विचार निश्चित हो जाता है, ये शांति है। अगर इसकी बात करें तो अनुभव के आधार पर बोध हुआ है ना, ये आनंद है। इस अनुभव बोध के आधार पर इच्छा निश्चित हो गई, ये संतोष है। इन तीनों के आधार पर विचार निश्चित हो गया, शांति है। और इन चारों के आधार पर आशा निश्चित हो गई, ये सुख है। और ये सुख की निरंतरता बनी रहती है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है सर, तो मानव के लिए कार्यक्रम क्या निकलता है अगर अपनी बात करें स्वयं के स्तर पर देखें तो व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, ये कार्यक्रम निकल कर आता है। प्रस्तुति के सभी स्तरों पर व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है। तो अगर इसको हम देखें जाए तो तीन तरह के कार्यक्रम निकल कर आते हैं। एक तो स्वयं में जांचना, जो भी प्रस्ताव आ रहा है सामने से उसको जांचना, तो अपने अधिकार पर जांचते हैं, अपनी सह स्वीकृति के आधार पर जांचते हैं, जिससे हमारे अंदर सही समझ बनती है, जिससे हमारा जो भाव विचार होता है सही समझ के आधार पर सुनिश्चित हो पाता है, जिससे हमारा व्यवहार कार्य भागीदारी परस्पर पूरक हो पाता है। ये स्वयं में जांचने और जीकर देखने का जो काम है ना, ये तो हर क्षण चलने वाला काम है। जब इस काम को कर रहे होते हैं तो हमारी आज की जो स्थिति है, व्हाट आई एम, आज जैसा हूँ, जो मेरी आज की योग्यता है, कहाँ दिखता है मुझे अपनी इच्छा विचार आशा में दिखता है, तो इसके प्रति मैं सजग हो पाता हूँ। तो जितना जितना आप इस काम को करेंगे उतना उतना आपको अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजगता आएगी कि मेरी कल्पनाशीलता अभी व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है, इसमें अभी मैं सुखपूर्वक विचार कर रहा हूँ या दुखपूर्वक विचार कर रहा हूँ, संबंध का भाव है या विरोध का भाव है, ये सब दिखने लगता है अपने को हर क्षण। तो स्वयं सजग होना हर क्षण ये इसके लिए आवश्यक है। जब एक और दो को पूरा कर पाते हैं तो अपना मूल्यांकन ठीक ठीक कर पाते हैं। और मूल्यांकन होता है मूल्य को अंकित करना, मूल्यांकन और समीक्षा दो अलग चीजें। अभी हम समाज की ज्यादातर समीक्षा कर रहे होते हैं, मनुष्यों की समीक्षा कर रहे होते हैं, अपनी भी समीक्षा करते हैं, कोई गलती हो गया तो गलती बता देते हैं कि अपनी गलती हो गई। बट मूल्य अंकित करने का मतलब हुआ कि अगर गलती तो सही क्या है उसको देख पाना, समाज में अगर कुछ गलत है तो सही क्या है उसको देख पाना, किसी व्यक्ति में अगर कुछ गलत लग रहा है तो सही क्या है उसको देख पाना, मूल्यांकन में मूल्य को अंकित करना। तो हम अपना मूल्यांकन ठीक ठीक कर पाते हैं अपनी सह स्वीकृति के आधार पर। क्या होता है कि जो मैं वास्तव में चाहता हूँ है ना, बनना के बजाय होना लिख देश में ज्यादा ठीक रहेगा है ना, ये थोड़ा बनना रह गया। तो मैं वास्तव में क्या होना चाहता हूँ, व्हाट आई रियली वांट टू बी, जो मेरी सह स्वीकृति है ना, इसके समझ के आधार पर मेरा जो होना है यानी जो मेरी आज की योग्यता है ये आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है। तो चाहना के अर्थ में मेरी जो होना है जो योग्यता है वो व्यवस्थित हो जाती है। तो ये व्यक्ति के स्तर पे करने वाला काम है। अगर समाज के स्तर पे देखें तो जो बात अभी आप लोग करते रहे कि क्यों ना इस प्रस्ताव को ऊपर बैठे हुए लोगों के पास ले जाया जाए, उनके प्रति करें, उनके साथ जुड़ के करें, ये लोक शिक्षा कार्यक्रम जो वयस्कों के लिए चला सकते हैं। तो सही समझ और सही भाव वाले जो मानव है जिनके अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो पा रहा है, वो माँ पिता के साथ बात कर सकते हैं, शिक्षकों के साथ बात कर सकते हैं, नीति निर्धारकों के साथ बात कर सकते हैं है ना, ब्यूरोक्रेट से बात कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर से बात कर सकते हैं, समाज के भिन्न भिन्न लोगों से बात कर, डॉक्टर लॉयर टीचर सबसे बात कर सकते हैं। तो ये एक लोक शिक्षा कार्यक्रम है जो चल सकता है ना। परंतु एक नियमित कार्यक्रम के रूप में देखें तो शिक्षा संस्कार के रूप में ये ज्यादा ठीक से व्यवस्थित ढंग से हो पाता है, इसमें निश्चित रिजल्ट आ पाते हैं। तो सही समझ सही भाव वाले मानव जो है, निश्चित मानवीय आचरण के साथ जीने वाले जो व्यक्ति हैं, जो है ना ऐसा जी पा रहे हैं, वो
शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदार हो सकते हैं, वहाँ पाठ्यक्रम बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे परियोजनाओं पे काम कर सकते हैं, वातावरण को तैयार करने काम कर सकते हैं शिक्षा संस्कार पूर्वक। उसके आगे जाए तो कार्यक्रम बनता है कि शिक्षा संस्कार तो पूरे समाज का एक आयाम है, बाकी जो चार आयाम है उनमें भी काम कर सकते हैं। तो समाज के पांचों आयाम में, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उत्पादन की बात हो, विनिमय की बात हो, न्याय की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इन सारे आयामों में कार्यक्रम चलाया जा सकता है। तो समाज के स्तर पर सारे काम हो सकते हैं, जैसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए काम हो सकता है, जिससे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो पाए। तो अभी जैसे हम लोग जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ शिक्षा में भागीदार हो सकते हैं, अगर हम किसी और सिस्टम में काम करें तो वहाँ भागीदार हो सकते हैं। ऐसा कई बार सोचा भी है कि लॉयर्स के लिए वर्कशॉप किया जाए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए, नेताओं के लिए, है ना, इन सब के लिए प्रोग्राम बनाया जा सकता है इस विधि द्वारा। परंतु उसमें है कि हम मूलभूत से जो मौलिक कार्यक्रम है तो उसको साथ में लेके चलें तो ये काम पूरा हो सकता है। तो इससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है, सही समझ सही भाव, है ना, व्यक्तियों को सुनिश्चित कर पाते, समृद्धि के भाव को, अभय विश्वास अस्तित्व को सुनिश्चित कर पाते। अब अगर इस तरह से देखें तो परिवार से परिवार समूह, गांव गांव समूह, करते करते पूरे विश्व परिवार तक योजना बनाई जा सकती है। इनफैक्ट ये जो पिछले एक साल में संभावना निकली है ना, ये ऑनलाइन मोड की, इसमें काफी संभावना दिख रही है कि अगर इसको ठीक से यूटिलाइज किया जाए कि यहाँ बैठे बैठे विश्व के किसी मनुष्य से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा विचार हो भी रहा है, परंतु उसके लिए और लोगों की जरूरत है कि इस प्रोग्राम को चला पाए, क्योंकि जैसे जैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके फॉलो अप में बहुत सारा प्रोग्राम निकल कर आता है, तो उसके लिए और लोग चाहिए, रिसोर्स पर्सन भी चाहिए, है ना, साथी सहयोगी भी चाहिए। ये संभावना दिख रही है कि इस दूर श्रवण दूर दर्शन के माध्यम से तो पूरे विश्व परिवार तक पहुंचा जा सकता है, इस बात को पहुंचाया जा सकता है। अब अगर लोक शिक्षा को देखें तो इस बात को सुनते समझते हुए अगर 10 वर्षों में एक व्यक्ति तैयार होता है, इसकी काफी संभावना है कि अगले 10 वर्षों में 10 लोगों कम से कम तैयार कर पाएगा। इस विधि से चलें तो 100 वर्षों में 1,000 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं, संभावना तो है ना? अगर इसको शिक्षा संस्कार में ले आते हैं, विधिवत ढंग से दिया जाए प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन में, तो बहुत कम समय लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा। तो जो काम 100 वर्षों में हो सकता था वो कुछ सीमित समय 20 से 50 वर्ष में हो सकता है, इसकी संभावना है। और यदि ये समाज के हर आयाम में आ जाए तो 10 से 20 वर्ष में हो सकता है। ये प्रयोग अपने को दिख भी रहा है, जैसे भूटान में पहले हम लोग इसको हायर एजुकेशन में लेकर आए, उसके बाद मिनिस्ट्री के कुछ लोगों ने वर्कशॉप किया, तो दिख रहा है कि अगर वो पॉलिसीज में और ज्यादा अच्छे से ढंग से आ पाता है तो एक देश में एक स्तर तक काम हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं कहेंगे कि उस देश के सारे लोग समझदार जिम्मेदार एक साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो चैतन्य में घटित होने वाली घटना है, जो जड़ में घटित होने वाली घटना है, उन दोनों में थोड़ा अंतर तो है। तो ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ समझ में आ जाएगा, अचानक से कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, परंतु एक निश्चित कार्यक्रम तो बन जाता है, एक दिशा तो बन जाती है, ये हो सकता है। और ये हमारे देश में भी हो सकता है, ये पूरे विश्व में हो सकता है, इसकी पूरी संभावना तो है। तो अगर इस बात को समापन के स्तर पर देखें तो इस ऑनलाइन कार्यशाला से आपके अंदर जांच परख की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया होगा, और हमें इस बात की आश्वस्ति है कि आपके अंदर जांच परख की शुरुआत हुई है, उसे बल मिला है। यदि आप इस वस्तुता प्रक्रिया में संभावना देख पाते हैं, यदि आप अपनी स्वयं की क्षमता तथा अपने परिवार संस्थान समाज अपने देश की क्षमता को देख पाते हैं, तो आप अवश्य ही इसके लिए आवश्यक प्रयास करेंगे और उस प्रयास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुनिश्चित करेंगे। और आप सब में इस पूरी बात को समझने, जीने और भागीदारी करने की पूरी संभावना है, तो हम अन्य हजारों मानवों तक उनके पूर्ण विकास में सहायक होने के लिए हमें संभावना है, और एक न्यायपूर्ण न्याय संगत समाज का स्रोत बनने के लिए संभावना है। तो ये एक वर्कशॉप में हम लोगों ने थोड़ा समय सीमा थी, हम अपनी तरफ से प्रस्ताव को रखा है। कई बार ऐसा लगा कि हम लोग विस्तार में इस पूरी बात को रख पाए, कई बार ऐसा लगा थोड़ी समय की सीमा बन गई। तो मैं कहूँगा ये शुरुआत है, आपको वस्तु का परिचय हुआ है और आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल अभी कुछ मिला होगा, नहीं तो हम लोग और इसको शेयर कर देंगे, आप उसको अध्ययन करें और फिर से हम लोग इसको मिलकर कभी और आगे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें हम लोग रेगुलर मीटिंग्स अगर शुरू करें, उस मीटिंग में ना इस तरह की बातें हम लोग और विस्तार में ले जा सकें तो और अच्छा रहेगा। और फिर उसके आधार पर जो भी आपके साथी हैं जो आनंद संस्थान से जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रोग्राम चलाया जा सकता है, तो एक अच्छी शुरुआत होगी।